हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट से और बहुत ही वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग, और मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही गजब का सा सेशन। अगर आप लोग KVS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आज का लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप देगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाएगा। तो आप सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है ना वो मिलता रहे। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बेटा, सभी के सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखा है ये कि ALU का मतलब क्या होता है। अब देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कोई खास मुश्किल चीज आपके लिए लगेगी भी नहीं कि ALU होता क्या है। ALU का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया है इन्होंने, एकदम इजी सवाल है। कुछ इजी सवाल है, धीरे धीरे फिर मॉडरेट होंगे, धीरे धीरे थोड़े से हल्के से मॉडरेट से ऊपर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ALU का फुल फॉर्म नो डाउट आप सभी के सभी जानते हो, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका जो CPU होता है ना, अगर आप खुद से पूछो क्या CPU, CPU के अंदर आप लोगों को तीन पार्ट देखने को मिलते हैं। तीन ही चीजें होती है CPU में। पहले ही जो पार्ट है आपका CPU का, उसको आप लोग कहा करते हो, यही ALU ही कहा करते हो, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हो। और जो दूसरा जो होता है ना आपका, उसके अंदर वो क्या होता है, एक जो पार्ट है इसका वो कहलाता है आपका रजिस्टर, यानी कि एक मेमोरी जो है ना वो रजिस्टर है आपकी। और तीसरा जो पार्ट है ना आपका इसके अंदर वो होता है CU। नाउ सर, ये CU क्या होता है? CU का मतलब होता है डियर कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। CU का मतलब होता है आपका कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि जो टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना, जितने भी आपका काम होता है कंप्यूटर में, कोई भी काम हो रहा है उस टाइम पे टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करना, यही सारा काम किसका है? CU का रहता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का रहता है। तो ये तीनों ही पार्ट जो किसके अंदर होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। डिजिटल सर्किट है यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये किसका काम आता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। और लॉजिकल का मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये सारे काम जो है ना आपके लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, एक कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है? फेच द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, डिटरमाइन द डिवाइस एंड ऑपरेशन। डेटा को फेच करना, डेटा को लेना, यही कहलाएगा आपका ये, ठीक है। Which of the following works both an input as well as output device? इनमें से input और output दोनों की तरह काम कौन करता है, बताइएगा आप लोग। Input और output दोनों की तरह काम कौन करता है? एकदम easy सवाल है, आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। राइट, इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा क्या आपका, इसका सही आंसर रहेगा आपका मोडेम रहेगा। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं, उनमें से मोडेम एक है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, जो मोडेम है, एक सेकंड रुकना, मैं इस क्लास का लिंक, आप मुझे कमेंट में बताना और कौन कौन से डिवाइस है जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। शाबाश, ठीक है। देखो कौन कौन से डिवाइस है यहाँ पे आपके पास में, एक तो आपका होता है टच स्क्रीन, ठीक है ना। टच स्क्रीन जो होता है ना, ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। एक आपका होता है फैक्स मशीन, ठीक है ना। फैक्स मशीन जो है ना, ये क्या है, फैक्स मशीन भी इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका और कौन सा होता है? इसके अलावा आपका होता है नेटवर्क कार्ड, ठीक है ना। नेटवर्क कार्ड भी इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इनपुट एंड इसके अलावा ऑडियो वीडियो कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो कार्ड, ऑडियो वीडियो कार्ड जो है ना, ये भी क्या है आपका, इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह ही काम करता है। इसके अलावा आपका होता है मल्टी फंक्शन, ठीक है ना। मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहिएगा आप लोग, मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। यहाँ एक थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो सकता है आपका, मल्टी फंक्शन प्रिंटर का। आप कहोगे सर प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, बट मैंने मल्टी फंक्शन नाम दिया है।
मल्टीफंक्शन का मतलब क्या हो गया, पता लग गया ना तुम्हें? मल्टीफंक्शन का मतलब ये है कि उसमें स्कैनर भी है और वो प्रिंटर भी है। इसके अंदर एक ना खास चीज़ होती है, उसको कहते हैं ADF। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर बोला करते हैं इसको, ठीक है ना? राधे राधे सभी को बेटा, ठीक है ना? देखो क्या होता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर अपने आप कागज जो है ना वो लेता रहता है इनपुट में, उसी को आप ADF के नाम से जाना करते हैं डियर, ठीक है? और इसके अलावा आपका ईयरफोन, ठीक है ना? ईयरफोन जो होता है ना वो भी एक आपका इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह ही काम करता है डियर, ठीक है ना? CD, DVD, SD कार्ड इनपुट एंड आउटपुट बट इन मेमोरी यूनिट, वो मेमोरी में पार्ट है बिल्कुल, ठीक है? ये दोनों की तरह ही काम करते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है ना? जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक का यूज क्या है? हाँ जी, गेम खेलने के लिए होता है ये, ठीक है? गेम खेलने के लिए, ठीक है ना? गेम खेलने के लिए होता है ये आपका गेम बोर्ड, ठीक है? चलिए, तो मॉडेम आपको समझ में आ गया है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी आपसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होगा, ठीक है ना? मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है ये आपका, और बाकी सब डिवाइस यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रखे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन MS Word 2007, 2007 एम एस वर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन जो है ना इनमें से अवेलेबल नहीं है, ये पूछा है आप लोगों से, कौन सा ऑप्शन जो है ना इनमें से आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा MS Word 2007 में, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा? बेटे सारे ही हो जाते हैं, साथ के साथ आंसर जरूर करो। स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, मर्ज टेबल या मर्ज, इसमें से आपका मर्ज सेल या मर्ज टेबल, ठीक है ना? ये आपके पास में दे रखे हैं, और इसका सही जो आंसर है ना आपका वो क्या रहेगा, मर्ज टेबल इसका सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, द करेक्ट आंसर इज मर्ज टेबल। स्प्लिटिंग सेल इज सिमिलर टू एडिंग ए रो और कॉलम बट इट टेक्स प्लेस इन वन सेल इंसर्टेड ए ग्रुप ऑफ ए सेल। स्प्लिट सेल मतलब जब अलग अलग करना हो आपको रो और कॉलम, तो ये तो खैर चलो हो ही सकता है आपका। अच्छा, अलाउज मल्टीपल एडजेसेंट सेल टू बी कंबाइंड इनटू ए सिंगल लार्जर सेल, ये सारे काम हो सकते हैं, बट मर्ज टेबल जो है ना ये आपके 2007 वाले में नहीं था, तो ये पॉइंट आप लोगों को जो याद रखना है। और इसके अलावा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि टेबल को ब्रेक करना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका, टेबल ब्रेक, अगर आपको एक टेबल को ब्रेक करना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, आपको अंदाजा है? टेबल को ब्रेक अगर करना चाहते हो आप लोग तो शॉर्टकट की क्या यूज करोगे आप लोग, मतलब अलग अलग करना चाहते हो आप लोग तो क्या यूज करोगे आप लोग? रिबन इज अ यूजर इंटरफेस एलिमेंट होता है, उस सबसे ऊपर वाला, तो मैंने कई बार अपने सेशन में बता रखा है, सबसे ऊपर वाली बार होती है उसको रिबन बार के नाम से जाना करते हैं आपको, ठीक है ना? टेबल ब्रेक करने के लिए वही शॉर्टकट की चाहिए जो आप लोगों को पेज ब्रेक करने के लिए चाहिए, वही होता है आपका कंट्रोल प्लस में एंटर, ठीक है ना? कंट्रोल प्लस में एंटर जो है ना ये टेबल ब्रेक के लिए होता है आपका, ठीक है ना? टेबल ब्रेक के लिए वही है आपका, बीच में से आधा करना है आप लोग को तो कंट्रोल प्लस में एंटर, जहां कर्सर लेके जाओगे वहीं से कंट्रोल एंटर करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? इन MS Excel 2010 द एक्सटेंशन ऑफ Excel 2010 टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट फाइल की पूछी इन्होंने, ध्यान देना, एक्सटेंशन MS Excel की नहीं पूछी इन्होंने, Excel के टेम्पलेट फाइल की पूछी है। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, इनमें से सही जो आंसर होगा आपका वो क्या रहेगा बताइएगा। ए ऑप्शन दिया है एक बच्चे ने, XLTM, गलत है ये, XLTX जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा, डॉट XLTX जो है ना इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है? XLTX फाइल इज अ टेम्पलेट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये
कि टेम्पलेट होता क्या है, जो पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ हो फाइल वही टेम्पलेट कहलाती है, जो फाइल जो पहले से ही जो है ना आपका डिज़ाइन कर रखी हो उसी को टेम्पलेट के नाम से जानते हो आप। उसमें आपके फॉन्ट पहले से सेट हो, बैकग्राउंड पहले से सेट हो, और जो सब कुछ कम्प्लीटली पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ हो, सेट किया हो, उसी को आप लोग टेम्पलेट फाइल के नाम से जानते हो, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही आपका ये टेम्पलेट निकालना हो आपको, तो आपको जो भी फाइल होगी उसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, XLTX देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि ये जो पहले होता था ना 2007 से पहले, अगर आप अर्लियर की बात करते हो, ठीक है ना, तो ये क्या था आपका, ये होता था .xlt ही होता था। हाँ जी बेटा, होगी क्लास, जल्दी ही स्टार्ट होगी, रेगुलर भी होगी, ठीक है, अभी पढ़ लो, आज जो क्लास चल रही है इसका तो एंजॉय करो। तो यूं कह सकते हो आप लोग कि 2003 तक जो आपका था ना वो तो था .xlt था, ठीक है, और 2007 से जो है ना आपका वो क्या हो गया, .xltx हो गया। क्यों? क्योंकि जो एक्स है ना आपका, ये एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है आपका XML फाइल है, और XML फाइल क्या होती है, XML फाइल होती है आपकी जिसको कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वाली फाइल, ठीक है ना, तो ये मार्कअप लैंग्वेज वाली फाइल है आपकी। हाँ, ऐसे ही आप मुझसे सिंपल एक्सेल का ही पूछ लेते कि एक्सेल का ही एक्सटेंशन क्या है बताइएगा, तो एक्सेल का एक्सटेंशन 2003 तक जो था ना आपका वो तो हुआ करता था आपका .xls हुआ करता था, याद हो तो आपको, और 2007 से जो है ना वो क्या हो गया .xls और लास्ट में x लग गया। x लगने का मतलब वही है आपका क्या, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वाली फाइल जो है ना आपकी वो इंक्लूड कर दी गई इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर आपका एक xlsm भी होता है, ये किसके लिए होता है, ये मैक्रो अनेबल्ड स्प्रेडशीट के लिए होता है आपका, ठीक है ना, कोई आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसी के लिए ही आप लोग इसका यूज करते हो। XLS तो नॉर्मल आपकी फाइल होती है, तो बता ही दी मैंने। अगला एक सवाल है, कंट्रोल प्लस में आई जो होता है ना वो किसके लिए है। आई थिंक ये बहुत इजी सवाल है और आप सभी इसको जरूर जानते होंगे कि कंट्रोल प्लस में आई जो है ना इसका यूज कहां करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस में आई कहाँ यूज़ करते हैं, एकदम इजी सा सवाल है। तो कंट्रोल प्लस में आई जो है ना इसका यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए हम लोग, ठीक है ना। अगर बोल्ड करना हो तो इसके लिए आपके पास में होता है क्या, कंट्रोल प्लस में बी है, बोल्ड अनबोल्ड के लिए। बट अगर आपको थोड़ा तिरछा करना हो तो आप कंट्रोल आई करते हैं, और आपके पास में कुछ थोड़े थोड़े जो है ना शॉर्टकट की भी यहाँ अवेलेबल है। कंट्रोल आई जो है ना ये इटैलिक के लिए है, कंट्रोल बी है बोल्ड के लिए, कंट्रोल यू है अंडरलाइन के लिए, एक्स होता है कट के लिए, सी कॉपी के लिए, जेड आपका अंडू के लिए। अच्छा, जब भी आप कट और कॉपी करते हैं तो भी मैंने आपको एक बात जरूर बताई होगी क्या, कि इसके अंदर एक मेमोरी होती है जिसका नाम आप लोग क्या पढ़ा करते हो, दैट इज क्लिप बोर्ड मेमोरी। और ये क्लिप बोर्ड मेमोरी जो है ना ये क्या है आपके, यहाँ पे क्लिप बोर्ड मेमोरी का मतलब है जहाँ पे आपने कट किया तो कट करते ही डेटा आपका टेम्परेरी सेव हो गया। कट करना मतलब डेटा को मूव करना होता है, ठीक है ना, और कॉपी करने का मतलब क्या होता है, कॉपी करने का मतलब है कि वो डेटा वहाँ पे भी रहेगा और दूसरी जगह भी आपका अवेलेबल रहेगा, उसको आप कॉपी करना बोलते हैं, ठीक है। तो कट और कॉपी में तो डिफरेंस है अपने आप में। और जब भी आप पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, पेस्ट करना मतलब क्या होता है आपका, कंट्रोल प्लस में वी होता है, और जब भी आप डेटा को पेस्ट करते हैं तो हमेशा वो क्लिप बोर्ड से ही पेस्ट होके आता है। कोई आपसे पूछ ले कि पेस्ट कहाँ से होके आएगा, क्लिप बोर्ड से ही पेस्ट होके आएगा, ये याद रखिएगा। और कोई पूछे तुमसे कि कॉपी कितनी बार किया जा सकता है, एक बार, दो बार, पांच बार, कितनी बार कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी हम लोग जो है ना मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार उस डेटा को आप कॉपी कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ A3 शीट इन MS Word 2007? MS Word 2007 के अंदर A3 वर्ड शीट जो है ना इसकी लेंथ क्या रहती है आपकी, मतलब पूरा प्रॉपर जो पेज साइज है ना वो क्या रहता है आपका, ठीक है। A3 पेज पूछा है आपसे, नोट A4, ठीक है। किसी ने बी ऑप्शन दिया है इसका, बिल्कुल ठीक। A3 पेज, जी ये बी ऑप्शन जो है ना इसका वही ठीक है आपका, बी ऑप्शन इसका एकदम ठीक है।
11.69 × 16.54, ये जो है ना आपका ये A3 पेज के लिए एक प्रॉपर जो है ना आपका एक मार्जिन रहता है। MS Word है वो तो आप सभी को पता ही है कि किस किस के लिए होता है। होम इसके अंदर एक टैब है, इंसर्ट टैब है और पेज लेआउट टैब है इसके अंदर। होम के अंदर आप लोग बेसिक फॉन्ट साइज अप एंड डाउन किया करते हैं, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट कलर है, इन पे काम करते हैं। इंसर्ट के अंदर आप लोग जो है ना कुछ इमेजेस है, कुछ चार्ट है, कुछ ग्राफ्स है या कुछ ऑडियो है, वीडियो है, पेज नंबर्स वगैरह है, इनको इंसर्ट करते हैं। पेज लेआउट के अंदर आप लोग लाइंस है, कॉलम है, टेबल है, स्पेसिंग है, इन चीज़ों को आप लोग जो है ना वो सेट किया करते हैं, मार्जिन दिया करते हैं डियर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन। अच्छा, आजकल एक सर्च इंजन बड़ा चर्चा में चल रहा है, लाइक गूगल की तरह, कमेंट में बताओगे उसका नाम क्या है। खूब आजकल मतलब पॉपुलर हो रहा है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है आजकल। हाँ, इसका तो ठीक आंसर आपने मुझे दे दिया, खैर। हाँ जी, गूगल इसका सही आंसर है आपका, ठीक है ना। गूगल इसका नहीं, नहीं, एज कोई सर्च इंजन थोड़ा ना, एज तो ब्राउजर है भाई, ठीक है। देखो क्या है कि मोजिला फायरफॉक्स है, ये एक ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, मिनी ओपेरा मिनी ये भी एक ब्राउजर का नाम ही है, ठीक है ना, ये सारे ब्राउजर ही हैं आपके। गूगल एक सर्च इंजन है, हाँ, गूगल का एक क्रोम नाम का ब्राउजर भी आता है, ठीक है ना, गूगल क्रोम जो है ना ये एक ब्राउजर भी है। और इसके अलावा इन ब्राउजर में एक ब्राउजर और भी है जिसका नाम क्या है आपका, ब्रेव ब्राउजर है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका क्रोम है, ब्रेव है, और आपका ब्राउजर कौन सा हो सकता है, सफारी, ठीक है ना। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं देन यू यूज सफारी, आप सफारी ब्राउजर का यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, ब्रेव, सफारी। और आप लोग किसका ब्राउजर का यूज़ कर सकते हो, टोर एक ब्राउजर, इसको अनियन ब्राउजर भी कहा करते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा डियर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह रिप्लेस किया अभी वर्तमान में, मई 2019 में एक रिप्लेस हुआ है, इसकी जगह पे कौन सा ब्राउज़र आ गया, एज नाम का ब्राउज़र आ गया। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि विंडो 10 के साथ ऑफिशियली ब्राउज़र कौन सा आया है, विंडो 10 जो है ना हमारी, उसके साथ में एक ऑफिशियल ब्राउज़र जो आया है उसका नाम एज है। अब आप विंडो 10 लो या 11 लो, उसके साथ में जो आपका साथ में ही जो आता है ना उसको आप लोग क्या कहते हो, तो उस साथ में ही आने वाले ब्राउज़र को आप एज ब्राउज़र के नाम से जाना करते हो। प्रणाम बच्चा, प्रणाम, ठीक है ना। हाँ, टॉर तो डार्क वेब के लिए है, बिल्कुल सही बोला है बच्चा आपने, ठीक है ना। अरे गूगल के बहुत सारे भाई हैं, मतलब गूगल के ब्राउज़र के कई, सॉरी, क्रोम जो इसका सर्च इंजन है ना, इसके कई सारे भाई हैं। और वो कौन कौन से भाई हैं इसके, वो बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, गूगल के। और कौन कौन से भाई हैं आपके, एक गूगल है, एक याहू नाम सुना है तुमने, एक आपने याहू के अलावा और कौन सा सुना होगा सर्च इंजन, एमएसएन सुना होगा, एक आपने अल्टाविस्टा, ठीक है ना, अल्टाविस्टा तुमने सुना होगा, ठीक है ना। और कौन सा सुना है तुमने, एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इनबिल्ट आता है, साथ के साथ ही आता है, मतलब बींग ब्राउज़र आता है, सॉरी बींग सर्च इंजन है आपका। एक आपका जो है ना वो मामा जी करके आता है, ठीक है ना, किसी ने मुझे कहा था सर इनका तो अस्तित्व ही नहीं रहा आजकल, हाँ इनका अस्तित्व नहीं रहा भाई, ठीक है। गुरुजी, ठीक है ना, गुरुजी नाम का आता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना DUC डक नाम का आता है, इसके अलावा DUZ आता है, डुग डुग करके आता है, ठीक है ना। ये सारे आपके जो है ना याद रखिएगा कौन से हैं, ये सारे सर्च इंजन के नाम हैं आपके, ठीक है ना। और आजकल जो चर्चा में चल रहा है ना आप लोगों का, वो चल रहा है चिटचैट, ठीक है ना, तो वो भी मतलब ब्राउज़र क्रोम इसके टाइप में ही आता है आपका, ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है डियर, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, चैट वाला भी, ये भी चिट चैट कह दीजिएगा, चैट GPT, ये आजकल चर्चा में है, खूब ज़्यादा चर्चा में हो रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल का आ रहा है आजकल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगलो, ठीक है ना। अगला जो सवाल हमारा क्या है, ये तो सर्च इंजन देखो इसने भी लिख रखा है, गूगल है, याहू है, MSN है, ये पॉपुलर सर्च इंजन के रूप में जो है ना वो है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ब्राउज़र के रूप में आते हैं। अच्छा, इन पे भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं मैं, क्या कि यहां पे क्या है कि मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये सिंपली फायरफॉक्स इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र। एक ना ये ओपन सोर्स जो होते हैं ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना,
ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आपका कि जिसके कोड सामने ही, जैसे आपको यूं कहिएगा, मैं आपको बहुत लेमैन में बता रहा हूँ, जिसका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है या आईटी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए कह रहा हूँ मैं कि यूं समझो जिनके जिनका काला चिट्ठा सामने रखा हुआ हो, भाई ये लिखे कैसे हैं, कोड कौन से यूज किए गए हैं, किस लैंग्वेज में कोड लिखे हुए हैं, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग की गई है, वो प्रोग्रामिंग हर कोई देख सके, यूं समझो वो ओपन सोर्स ही है आपके। जस्ट लाइक आप लोग ना एक लिनक्स करके ब्राउजर को भी पढ़ा होगा, थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी होगा आप लोगों को मैंने, लिनक्स ब्राउजर जो है ना, सॉरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर भी ओपन सोर्स ही कहलाता है वो, आपका सोर्स कोड सामने ही दिखते रहते हैं, कहने का सिंपल यही है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मोजिला फायरफॉक्स जो है ना, ये आपके डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, ये डेवलप किया गया है दो तीन लोगों के द्वारा किया गया, लाइक जैसे डेव हाइट है, जो हवेट है एंड ब्लैक के रोज है, इनके द्वारा जो है ना आप लोगों को, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया इन द ईयर ऑफ 31st of March 1998 1998 में जो है ना ये निकल के आया है आपका, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है ये। ये बेसिकली जो है ना इज अ डिसकंटिन्यूड सीरीज ऑफ ए ज्योग्राफिकल वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई एक सीरीज है। 1995 में स्टार्ट किया गया था, विंडो 95 के अंदर इसको सबसे पहली बार एड ऑन पैकेज में डाला गया था। आज के टाइम में ये हट चुका है, मतलब मई 2019 के बाद में अब जो भी अपडेट आया है, लाइक आपके पास में विंडो अगर 11 है तो उसके अंदर आपका अब एज नाम का ब्राउजर हो गया। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है तुम्हें याद करनी कि माइक्रो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पहली बार कब आया था, 1995 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कौन सी विंडो में इसे डाला था, विंडो 95 में डाला था। एक बात याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो का इतिहास यूँ है कि वो 1985 के अंदर सबसे पहली उसने अपनी विंडो लॉन्च की थी, इसको कहा गया था विन 1.0। ये बड़ी इनिशियल विंडो थी आप लोगों की, बहुत ही सिंपल सी विंडो थी, इनिशियल थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में एक अपडेट आया था आपका, उसका जो नाम था ना आपका वो था विंडो 1995। इसके अंदर पहली बार जो है ना वो स्टार्ट बटन था, ठीक है ना, स्टार्ट बटन इसके अंदर ऐड किया गया था आपका। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। हालांकि ये इंटरनेट वाला कंसेप्ट है, इस विंडो के अंदर खास चला नहीं था, इन्होंने एड ऑन पैकेज में इसको जो पब्लिकली किया था ना वो किया था विंडो 98 के अंदर, विन 98 के अंदर किया था। विंडो 95 में इन्होंने अपने डेवलपर वर्जन के लिए रखा था, पब्लिक वर्जन के लिए नहीं रखा था डियर, ध्यान रखिएगा डियर, ठीक है ना। सर जी केवीएस टीजीटी दे रहा हूँ, हाँ देख सकते हो कि डियर कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए कॉमन ही एक बेस लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक और शेयर तो नहीं किया यार आज, मतलब क्या बात, आज आए भी बहुत कम लोग हो आप, थोड़ा शेयर वाला ऑप्शन पे दबाओ, हाँ करो कुछ कोशिश, ठीक है। ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी इज ए मोबाइल वेब ब्राउजर मेड बाय ओपेरा, ओपेरा के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है ना। और इसको अगर डिज़ाइन किया गया है आपका मोबाइल के लिए स्पेशली, ये ना नेट कम ले, आपको अगर याद हो ना तो इंटरनेट कम लेता था ओपेरा, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो पहले आपके वो नोकिया के फ़ोन थे जिसमें आपने को पूरे पूरे महीने का 1 GB इंटरनेट मिला करता था, तब आप फ़ोन के अंदर कोई ब्राउज़र चलाते थे ना तो ओपेरा चलाते थे, क्योंकि ना सबसे कम इंटरनेट लेता था और कम इंटरनेट में जल्दी चीज़ों को खोल देता था, ये ओपेरा उसके लिए ही आया था एक्चुअली, हमारे लिए भगवान बन के ही आया था समझो। 1995 में ये बना था ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, जहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है आपको याद हो तो, ठीक है ना। और इसके फाउंडर्स कौन थे, इसके फाउंडर है जॉन स्टीफन्स, एंड इसके अलावा जो है ना आपके गेयर इवोसी है, उनको द्वारा जो है ना इसको बनाया गया था, ये फाउंडर थे इसके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट, कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं आप लोग एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को मूव करने के लिए, बताइए। राइट, कट एंड पेस्ट, सही है बिल्कुल। हम लोग पहले क्या करते हैं, कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको का बीटेक आईटी से कर रहा हूँ और
कंटिन्यू करो या गवर्नमेंट जॉब करूँ आप बताएं। कंटिन्यू करो बेटा, पहले ग्रेजुएशन पूरी करो, उससे पहले कुछ मत सोचो, ठीक है ना। पहले ग्रेजुएशन करो, पैरेलली कोई काम कर सकते हो तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन बीच में नहीं छोड़ना। कोई भी ईयर हो, ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे कि यार काश वो पूरी कर लेता। आधा अधूरा काम कोई नहीं छोड़ना चाहिए बीच में, ठीक है ना। कॉपी क्यों नहीं होगा? सर बताता हूँ बेटा, कॉपी इसलिए नहीं होगा कि कॉपी में डेटा मूव नहीं होता, वहाँ भी पड़ा रहेगा, यहाँ भी पड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कट का मतलब होता है यहाँ से उठ गया और दूसरी जगह जाएगा, मतलब मूव करना, मूव करना मतलब उठाना है ना आपको, अगली जगह पे पहुँचाना है, इसलिए आपका ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर्स। तो इसका सही आंसर जो है ना आपका, वो क्या रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मोशन इफेक्ट किसके अंदर होता है। अगर ये किसी को पता है ना तो बहुत ढंग से आपको पता लग जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है यहाँ पे, एकदम आंसर किया तो है, अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है, वो डिपेंड करता है। जी, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर्स। अब इसमें ना एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो सकती थी आपकी, आपको समझने के लिए, अगर तो मैं ऑब्जेक्ट की बात करता, ठीक है ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता तो मैं आंसर यहां पे लगाता क्या, एनिमेशन लगाता, ठीक है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता तो मैं एनिमेशन लगा लेता, ठीक है। लेकिन नहीं, पोल क्रिएट नहीं होते बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, यूट्यूब है, टाइम बहुत लगता है, पोल तो क्रिएट हो जाए पर यहाँ पे वक्त बहुत लगता है उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करता तो वो एनिमेशन हो जाता है आपका, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्लाइड की बात करता हूँ, ठीक है ना, स्लाइड की, तो स्लाइड का मतलब ये होता है आपका कि स्लाइड के अंदर आपको ये होगा कि वन स्लाइड के अंदर तो हमेशा एक ही चीज़ आती है, इसका नाम ही आप लोग सिंपली लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन होता है। एक स्लाइड दूसरी स्लाइड चेंज होके आए, स्लाइड बदल के आए तो ट्रांजिशन कहलाएगा आपका, ठीक है ना। और अगर कभी भी आपके स्लाइड में, स्लाइड के अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट बदल के आए आपका, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा आपका, उसको आप लोग एनिमेशन के नाम से जो है ना पुकारोगे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है इन दोनों बातों में, ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को ही एक्सप्लेन कर रखा है कि एनिमेशन में क्या होता है, एनिमेशन पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट, जो आपके स्लाइड के अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना वही मूव करेगा तो एनिमेशन स्कीम है आपका। स्लाइड में क्या होता है, स्लाइड डिजाइन क्या होता है, ओवरऑल लेआउट ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के अंदर आपने जो भी डिजाइन डाला है, आपने कोई कलर डाल दिए, बॉर्डर डाल दिया, कोई भी चेंजेस कर दिया, दैट इज स्लाइड डिजाइन होगा। एनिमेशन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हाउ टू ऑब्जेक्ट टू बीइंग एनिमेटेड इन पीपीटी, जो पीपीटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना उसको आपने कैसे सजा रखा है, वो किस तरीके से आपका जो ना घूम घूम के आ रहा है, वो चीज़ देखनी है। और ट्रांजिशन का मतलब है कि आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बाद में जो है ना आपने जब एंटर किया है ना, वही आपका क्या कहलाएगा, उसी को आप लोग स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानने वाले हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम परस्पेक्टिव खूब आता है ये। और आप ये मुझसे ज़रूर पूछोगे कि सर हम स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन लगाते क्यों हैं, इसका मतलब एक्चुअली मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है आपका कि आप जब पढ़ा रहे होते हो तो पढ़ाते टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़े। लाइक मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं तो चलो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता और बता रहा होता कि देखो ये काम होता है, उसके बाद में मैं कहता देखो ये चीज़ ऐसी होती है, तो मैं अगली बटन दबाऊँ तुरंत वो चीज़ आ जाए, तब आपके लिए काम आती है एनिमेशन। अगली स्लाइड आए, साउंड अलग से आए, या कोई पर्दे की तरफ से साइड खुल के आए, वो जब चीज़ें आती है तो उनको आप लोग ट्रांजिशन के नाम से जानते हो डियर, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, समझ भी लेनी है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या रहेगा कि इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप फॉर रूटीन ऑपरेशन। अब मतलब आम तौर पे जब आप कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो भी कोई काम करते हो तो आपको कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पे यूज़ करना होता है, कौन सा इनपुट डिवाइस आप यूज़ करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आप कीबोर्ड एंड माउस यूज़ करते हैं, आप कीबोर्ड एंड सीडी रोम यूज़ करते हैं, आप माउस एंड पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, आप कीबोर्ड एंड स्क्रीन यूज़ किया करते हैं, तो क्या इसका सही आंसर करते हैं बताइए आप लोग, ठीक है। गुड इवनिंग अक्षय,
आप यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी बात हो आपको ना समझ में आए आप डिस्कशन ग्रुप में लग दीजिएगा, ठीक है। सीडी रोम है, कोई बात यहाँ पे मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के नहीं है, दैट इज़ अ मेमोरी डिवाइस, ठीक है ना। तो ये सीधा ही कट गया आपका। पेन ड्राइव है, अगेन आपका क्या है कि इनपुट आउटपुट में नहीं आया, मेमोरी डिवाइस में है, कट गया। कीबोर्ड और स्क्रीन, ये कोई बेसिक नहीं है, स्क्रीन आउटपुट का एक पार्ट है, अकेला स्क्रीन कह रहा हूँ तो एक आउटपुट का पार्ट है, टच स्क्रीन कहता तो इनपुट आउटपुट दोनों का होता, स्क्रीन एक आउटपुट का पार्ट है, तो इनपुट ही पूछा था ना उन्होंने, तो इसका सही आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, कई सारे इनपुट डिवाइस है, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं कि वो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं आपके। जस्ट लाइक आपके पास में एक इनपुट डिवाइस, एक तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और कौन सा होता है आपका, आप लिख के बता सकते हैं कमेंट में मुझे, ट्रैक बॉल होता है, और कौन सा होता है आपका, डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा जो है ना आपका वो भी एक इनपुट डिवाइस है, वेब कैम, ठीक है ना, वेब कैम भी क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस में ही आता है आपका। और इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका, जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि माइक्रोफोन, ठीक है ना, जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये माइक है, ये माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस में ही आता है। जिसको जिससे मैं लिखता हूँ वो होता है आपका STYLUS, स्टेनलेस पेन, ठीक है ना, ये स्टेनलेस पेन, ये पेन जो है ना ये भी एक इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा लाइट पेन, ठीक है ना, LIGST लाइट पेन, लाइट पेन भी क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा राइट आप सही लिख रहे हो, जॉयस्टिक जो है ना ये भी एक इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस में आता है। इसके अलावा आपके पास OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जब आप पेपर में बैठते हो तो गोले भर के आते हो, उसको जो चेक किया जाता है वो OMR से चेक किया जाता है आपका। इसके अलावा OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना, जो आपने लिख रखा है, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले कई बार नहीं समझ में आते तो आप उसको स्कैन कर लेते हो, लिखी हुई बात को डायरेक्ट स्कैन करके आप कंप्यूटर को पढ़ाते हो, तो वो भी एक आपका इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। इसके अलावा आपका होता है MICR, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये बैंक में चेक को रीड करने के लिए होता है, बैंक में चेक को रीड करने के लिए, ठीक है ना, बैंक में चेक को रीड करने के लिए किसका यूज़ करते हो आप लोग, MICR का यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में और कौन सा होता है, BCR होता है, BCR का मतलब क्या होता है सर, बार कोड रीडर होता है, जो आप लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपके पास में जो एक से कोई भी किताब है या कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे आपने देखा होगा ऐसे वर्टिकल लाइन सी लगी होती है ना, ये इंडिया का कोड जनरली 890 से स्टार्ट होता है, तो उन्हीं बार कोड को स्कैन करने के लिए, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है ना उसका आप लोग जो है ना वो यूज किया करते हैं डियर, ये भी बात आप लोगों को जो है ना वो याद करनी है डियर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का राइट 13 लाइन का होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोग BCR के अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है ना वो यूज़ किया करते हैं, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है आपका, या आप कहिएगा एक बायोमेट्रिक स्कैनर है उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस ही है। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो टच पैड होता है, ठीक है ना, टच पैड भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि उसके ऊपर आप लोग आप अपने हाथ से उंगली से उसको चला रहे होते हैं, तो इनपुट ही है, आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा होता उस टाइम पे, ठीक है ना। ऐसा एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है ना, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस ही है, जो छोटी छोटी चिप होती थी उन चिप को स्कैन करने के लिए आपका किसका यूज़ किया जाता है, इसी स्मार्ट कार्ड रीडर का ही यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, इन सबको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं ये सारे नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए सर आगे जाते हैं, और अगला जो सवाल आपका रह सकता है, अच्छा इन्होंने भी हमें दे रखे हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर, हाँ एक स्कैनर मैं भूल रहा था, तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, याद रखना, माइक है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, सारे ही इनपुट है। और जब इनपुट पढ़ लिए तो आउटपुट भी पता होने चाहिए हम लोगों को। तो आउटपुट के लिए आपके पास में एक तो होता है VDU, VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। इसको आप लोग अपने ही भाषा में जो है ना वो मॉनिटर भी कहा करते हैं, या अभी तो आपके आगे क्वेश्चन आया था, स्क्रीन भी इसको कहते हैं,
तो चाहे इसको वीडियो कहे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहें, चाहे मॉनिटर कहें और चाहे स्क्रीन कहें, सब चलेगा। इसके अंदर एक पार्ट आता है जिसका नाम देखो, पहले एक इसके अंदर आता है आपका TFT, एक चलो LED स्क्रीन है आज के टाइम की, पहले बताता हूँ। LED का मतलब क्या होता है सर? LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। लाइट एमिटिंग डायोड जो है ना, ये फुल फॉर्म होता है किसका, आपका LED का। लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है आपका LED। और इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ LCD, तो LCD भी बहुत पॉपुलर है अपने आप में। और LCD का मतलब क्या होता है आपका, LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना, ये भी आप जानते हो। इसके अलावा आपके पास में आता है CRT, CRT भी एक स्क्रीन है आपकी। और ये क्या है आपकी, कैथोड रे ट्यूब, जिसको आप लोग कहा करते हो, ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल AMOLED भी जो है ना आपकी वो स्क्रीन है। आज के ज़माने में मोबाइल में AMOLED स्क्रीन आप लोग खूब सुन रहे हैं, खूब पॉपुलर भी हो रही है। लैपटॉप है या टच डिवाइसेस जितने भी आते हैं तो वहाँ पे ये नाम जरूर सुनते हो आप लोग। इसके अलावा TFT, ठीक है ना, TFT का मतलब आपका होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जो है ना इसको जाना करते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कैथोड रे ट्यूब है, AMOLED स्क्रीन है, TFT है, ये सब आपके आउटपुट के ही पार्ट हैं। इसके अलावा प्रिंटर, ठीक है ना, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर का एक भाई है जिसका नाम क्या है आपका, प्लॉटर, ठीक है ना, प्रिंटर का भाई है आपका प्लॉटर। अच्छा, ये प्लॉटर जो है ना, ये थोड़ा बड़ा भाई है समझो, जो HD प्रिंटिंग आपको करनी है, हाई डेफिनेशन जिसको आप लोग कहा करते हो, HD प्रिंटिंग करनी है, या आपका यूं कहिएगा अपने आप में ऐसी प्रिंटिंग है जिसको आप लोग कहिएगा कि फ्लेक्स बैनर वगैरह आपको लगाने हैं, लार्ज अमाउंट में जो प्रिंटिंग करनी है किसी पे, ग्राफ जो आपको प्रिंट करवाने हैं, वो सब कुछ काम किस पे हो पाता है आपका, वो प्लॉटर पे ही हो पाता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगा करते हैं ना, वो इसी पे ही लगा करते हैं, ये भी आपको याद जरूर कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर आपको जरूर याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और टच स्क्रीन तो मैं नहीं कह सकता, टच स्क्रीन तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना, बोथ डिवाइसेस में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने, तो वो बोथ दोनों डिवाइस के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोजेक्टर, ठीक है ना, प्रोजेक्टर। अच्छा, जो प्रोजेक्टर है ना आपका, ये क्या है, ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस ही है, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो स्पीकर है आपका, वो स्पीकर भी क्या है, स्पीकर भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस में ही आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो, LED, LCD, प्रिंटर, ये सब आपके जो है ना आउटपुट डिवाइस में ही हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। इनपुट आउटपुट दोनों आप लोगों ने समझ लिए बेहतरीन तरीके से। और एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा था स्टोरेज का भी आपको, तो इसका भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं कि क्या रहेगा ये। लाइक स्टोरेज में आपका फ्लॉपी भी आता है, और फ्लॉपी सुपर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव तो देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हैं आपके डिवाइसेस जिनके अंदर ये यूज़ किया गया था तीसरी पीढ़ी में, तो स्पेशली थर्ड जनरेशन का तो मैं कह रहा हूँ बादशाह हुआ करता था फ्लॉपी। फोर्थ में भी इनिशियल स्टेज पे खूब यूज हुआ है ये आपका, ठीक है ना। बाद में तो खैर CD DVD ने जगह ले ली थी अपने आप में इसकी। फ्लॉपी को एक नाम और से पुकारते हैं, फ्लॉपी को आप लोग ना डिस्कैट के नाम से भी पुकारते हैं, ये याद रखना। ये इसको डिस्कैट, कहीं आपको फ्लॉपी ना मिले ना तो आप डिस्कैट से समझ जाना कि डिस्कैट क्या है, डिस्कैट फ्लॉपी ही होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, इसको 01 डिस्क भी कहा करते हैं, ये भी कहीं आपको मिल जाए कि 01 डिस्क क्या है, तो 01 डिस्क भी आपकी कौन सी है, 01 डिस्क भी फ्लॉपी ही होती है आपकी, ठीक है ना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा फ्लॉपी जो है ना आपका, उसमें साइज मैटर करता था, जितना छोटे साइज का फ्लॉपी होगा उतना ही वो फास्ट होगा, इस बात में आप ध्यान रखिएगा। फ्लॉपी जितने छोटे साइज का होगा उतना ही वो डिवाइस जो है ना आपका फास्ट होगा, ये बात याद रखिए, मतलब फास्ट होगा या यूं कहिएगा उतना ही ज़्यादा उसमें मेमोरी कैपेसिटी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक मेरे पास में एक ना फ्लॉपी हुआ करता था जिसका नाम था 8 इंच का फ्लॉपी, ठीक है ना, 8 इंच। अब ये 8 इंच का फ्लॉपी है ना, इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ही कम था, 80 से लेके 280 KB के बीच में ही था, तो ये बहुत कम है डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब ना के बराबर ही समझिएगा आज के टाइम पे, तो मैं कहूँगा इससे तो कई गुना बड़ी फ़ोटो हो जाती है अपने फ़ोन के अंदर, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि एक बाद में फ्लॉपी आया था जिसका नाम था आपका मिनी फ्लॉपी, मिनी फ्लॉपी का साइज़ था 5.25 इंच, जिसको 5.25 कह देते हो आप लोग, या इसको आप लोग कहते हो क्या 5.25 की जगह 5 1/4 ऐसे भी लिख देते हो, ठीक है ना। ये दोनों ही चीज़ें आपकी जो है ना वो वैलिड है आपकी, 5.25 और 5 सही 1/4, ठीक है ना।
तो ये क्या रहेगा आपका मिनी फ्लॉपी है। ये मिनी फ्लॉपी जो है ना आपका, ये याद रखिएगा डियर आप लोग कि इस फ्लॉपी के अंदर आप लोगों का साइज जो था डेटा का वो था 1.22 MB, ठीक है ना, 1.22 MB, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में माइक्रो फ्लॉपी और आया है एक, ठीक है ना, माइक्रो। अच्छा, ये माइक्रो फ्लॉपी जो आया है ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है डियर कि इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी जो है ना आपका, वो कितना है, 3 पॉइंट, अच्छा नहीं, पहले तो बताता हूँ साइज़ क्या है। 3.5 इंच है इसका साइज, या आप कहो 3.5 इंच के अलावा इसको 3 से 1/2 कह दो, या इसको 7/2 कह दो, एक ही बात है, अलग अलग थोड़ी ना ये बात कोई। और इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी कितना, 1.44 MB है, इसको आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें आपके पेपर पूछता है आपसे, बारीकियां पूछता है इनकी ये सारी चीज़ें। और आपको ये चीज़ें पता होती है ना तो आपका आंसर सही बैठ जाता है, नहीं पता होती तो फिर लंका लग ही जाती है। तो फ्लॉपी बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है भैया, ठीक है ना। बाकी हार्ड डिस्क है, DVD है, CD है, ये तो सारे हैं ही हैं, खैर ठीक है। चलो अगला सवाल बताइएगा, फ़ॉन्ट साइज पूछा है आपसे, कितना और कितना आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार इन MS ऑफिस। सभी को पता होगा, सारे के सारे आंसर छाप दीजिएगा फटाक से। वाह वाह वाह, अक्षय कुमार, दिल और दिल भी झांक रहा है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होके। कुमार प्रियम, इसको लॉक किया जाए, कर देते हैं भैया, ताला लगा देते हैं। ये भाई साहब जवाब ऐसे देता है जैसे मैं इसकी KBC की हॉट सीट पे बैठा हूँ और इस सवाल के बाद तुरंत पकड़ाऊंगा कि आपने जीत लिए 1 करोड़ रुपए। ये नई इमोजी ऐड हुई है यूट्यूब में, खास सर ऐसा होता। तुझे चाहिए पैसे, बहुत जरूरी है। 8 और 72 इस सवाल का जो है ना सही आंसर है डियर, ठीक है ना। 8 और 72 जो है ना इस सवाल का हमारा सही, इसका ठीक आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे तो ये पूछा जा रहा है क्या कि ये फॉर्मेटिंग टूल बार का पार्ट है आपका, ठीक है ना। ये किसका पार्ट है, फॉर्मेटिंग टूल बार का, मतलब आप जब फॉर्मेटिंग टूल बार में देखते हो देन आपको मिनिमम कितना दिखाई देगा, मिनिमम दिखाई देगा 8, और आपको मैक्सिमम कितना दिखाई देगा, मैक्सिमम दिखाई देगा आपको 72, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वैसे मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वैसे मिनिमम जो है ना इसके अंदर हो सकता है आपका 1 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है MS वर्ड में, तो 1638 हो सकता है, ये याद रखना आप लोग। ये मैनुअली है, मतलब आप कीबोर्ड से जो है ना ये वाला साइज जो है ना आप लोग पुट कर सकते हैं, कीबोर्ड से ये वाला साइज आएगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप माउस से लेते हैं तो ये वाला साइज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप, अच्छा बाय डिफॉल्ट कितना होता है ये देखो, ये रहा आपके आगे, ठीक है ना, एक स्क्रीनशॉट भी है यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पे आपको मिनिमम दिख रहा है ये 8 से नीचे हो ही नहीं सकता, यहाँ मैक्सिमम दिख रहा है आपको कितना है, 72 है, इससे ना छोटा हो सकता ना बड़ा हो सकता। अच्छा, फॉन्ट नेम भी बताते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम जो है ना वो क्या रहेगा आपका, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या रहेगा। 8 बजे तक क्लास है बेटा, ये 2 घंटे की क्लास है आज ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया क्लास को और 1 घंटे बाकी और। फॉन्ट नेम क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। फॉन्ट नेम देखो, 2003 तक जो आता था ना वो तो था आपका टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन था आपका, ठीक है। और 2007 से जो हो गया ना आपका, उसका नाम क्या था, तो उसका 2007 से जो नाम हो गया आपका वो था कैलिब्री बॉडी, ठीक है ना, कैलिब्री बॉडी हो गया 2007 से। अब देख रहे हो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये रहा आपका, ठीक है ना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आता है ये बताओगे आप, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आता है, 11,
शाबाश, ये 11 रहता है बाय डिफॉल्ट सेट, ठीक है ना, 11 रहता है आपका बाय डिफॉल्ट सेट, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट को मेज़र किस में करते हैं, मतलब ये इंच होते हैं क्या होते हैं, इनमें किस पे मेज़र करते हैं, इनको पॉइंट्स पे मेज़र करते हैं, याद रखना। ये साइज होता है आपका 8 PT to 72 PT, पीटी का मतलब होता है आपका पॉइंट्स, ठीक है ना, पॉइंट्स में मेज़र किया जाता है इनको आपका, ठीक है। चलिए सर आगे और जाएं इसकी बात हम लोग, तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को अभी बता ही दी है, क्या है क्या नहीं है ये डियर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से ना दो तीन चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आ सकती है। द टर्म फॉन्ट रेफर टू द जनरल शेप ऑफ ए कैरेक्टर, फॉन्ट का मतलब तो खैर शेप और कैरेक्टर ही होगा। द डिफॉल्ट फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इज कैलिबरी, ये मैंने बता दिया। फॉन्ट साइज आर मेजर्ड इन पॉइंट, पॉइंट में मेजर करते हैं। वन पॉइंट एब्रीवेटेड पीटी, एक पॉइंट को पीटी कहा करते हैं, इज इक्वल टू 1/72 ऑफ ए इंच। और ये क्वेश्चन एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि एक पॉइंट जो है ना वो किसके इक्वल होता है। फॉन्ट जब मेजर करते हैं तो जो 1 PT होता है आपका, 1 PT, पीटी का मतलब आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया, तो 1 PT जो है ना इक्वल होता है आपका 1/72 के, ठीक है। ठीक है ना, 1/72 के इक्वल होता है आपका, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट रेफर टू द हाइट ऑफ द कैरेक्टर, ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट साइज रेफर करता है कैरेक्टर की हाइट पे। और 12 PT फॉन्ट इज 1/6 इन हाइट, ठीक है ना, ये तो खैर आप निकाल लोगे फिर बाद में। फॉन्ट साइज माइक्रोसॉफ्ट अब बाय डिफॉल्ट कितना आता है आपका, 11 पॉइंट्स आता है आपका। तो ये 1/72 वाला कंसेप्ट जरूर याद रखना, क्योंकि मैंने कई सारे पेपरों में देखा है, वहाँ पे लोग लॉजिक निकालते हैं इसका, कहते हैं यार माउस से कर सकते हैं बेहतर मैक्सिमम, कीबोर्ड से मिनिमम एक कर सकते हैं, तो ये शायद ये होगा, नहीं ये एक पॉइंट की वैल्यू ये होती है आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा आपका जो रहता है ना वो अवेलेबल रहता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्यों कौन साइज में अवेलेबल है जी, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है ना आपका वो अवेलेबल है इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू, ठीक है ना, ये फॉन्ट इफेक्ट है अवेलेबल रहता है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू बेसिकली है क्या, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ स्ट्राइक थ्रू दिखने को होता क्या है। स्ट्राइक थ्रू ना दिखने में कुछ ऐसा होगा, आपने लिखा देखा होगा ABC और उसके ऊपर ऐसे कट सा देखा होगा, ठीक है ना, ABC और ऐसे कट सा लिखा देखा होगा आपने, जनरली आपने MS Word के अंदर ये देखा होगा खूब सारा, तो इसी को ही आप लोग जो ना इसी के नाम से ही जाना करते हैं डियर, ठीक है ना। सर शोर आ रहा है जैसे वाटरफॉल हो रहा है। अच्छा, वाटरफॉल वाला शोर तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर मेरे को हंसी किस बात की आई तुम्हें पता है। किसी ने लिखा सर मेरा आज बर्थडे है, एक ने लिखा हैप्पी 30th birthday। वो किसने लिखा यार, कमेंट दिख नहीं रहा मुझे, डिलीट कर दिया क्या तुमने। एपिक था सीरियसली यार, उस बंदे को मेरी तरफ से सैल्यूट है, मतलब कमाल हो यार तुम। लड़की से एज पूछने का सही तरीका है, क्या बात करते हो यार, बड़ा दिमाग लगाते हो तुम, इतना दिमाग तुम क्वेश्चनों में तो नहीं लगाते यार है? सब था कौन वो कमेंट करने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन MS PowerPoint, तो M ये आपका स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है ना, खैर आपने तो बता ही दिया, ठीक है ना।
तो ये बात आपने समझ ली है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? ऑल आर एसेसिबल फ्रॉम डार्क वेब, सारे के सारे डार्क वेब से चलते हैं। ऑल आर ए सोशल नेटवर्किंग साइट, सारी की सारी ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑल आर न्यू वेबसाइट्स, सारी की सारी एक नई वेबसाइट्स है। ऑल आर बैंड वेबसाइट, सारी की सारी साइट जो है ना वो बैन है। तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा बताओ? जी, इसका सही आंसर है आपका, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी, ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी ये। आप सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे ब्लॉग के लिए क्या यूज़ किया करते हैं? ई ब्लॉगर या वर्डप्रेस यूज़ किया करते हैं ब्लॉग लिखने के लिए, ठीक है ना। रेफरेंस वेबसाइट के लिए विकिपीडिया यूज़ करते हैं, जिस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ डेटा। कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आती, कोई चीज़ का हमें डिटेल चाहिए होता है, हिस्ट्री चाहिए, उसका ज्योग्राफी चाहिए, उसकी हर एक बात हमें पता करनी रहती है, तो हम उसको जरूर विकिपीडिया पे सर्च करते हैं डियर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। वीडियो शेयरिंग की बात की जाए तो वीडियो शेयरिंग के लिए तो खैर यूट्यूब है ही है। मैं अपनी बातें अब आपको यूट्यूब पे ही तो शेयर करके बता ही रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में फोटो शेयरिंग की बात करते हैं तो पिकासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्लिकर, फ्लिकर भी खूब यूज किया होगा आपने और करते ही होंगे खैर आप, ठीक है ना। ई कॉमर्स है, बिजनेस पर्पज के लिए देखा जाए तो IRCTC साइट है आपकी, इंडियन रेलवे की टिकट बुकिंग है, होटल बुकिंग भी होता है, फ्लाइट बुकिंग भी है, मतलब बहुत सारे आप लोग एक रियल टाइम वेबसाइट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ईबे यूज़ करते हैं, अमेजोन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, स्नैपडील है, पेटीएम मॉल है, मिंत्रा है, बहुत सारी और भी है, मीशो है, ऐसे कई सारे आपकी ई कॉमर्स है जिसपे आप लोग सामान बेचना खरीदना, जोमेटो हो सकता है, स्विगी हो सकता है, ये सारी ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है आपकी। नाउ नेटवर्किंग साइट विद फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ जुड़ना चाहते हो, देन आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ऑर्कुट यूज़ करते थे, अब तो खैर बहुत कम हो गया मुझे जहाँ तक ध्यान है। 2010-11 का टाइम जो था ना वो ऑर्कुट का टाइम था, गजब का ऑर्कुट दौड़ा था उसका, ठीक उस जमाने में, ठीक है ना। माई स्पेस है, बहुत यूज़ करते हैं, इवन आज भी इसको करते हैं लोग यूज़, धीरे धीरे कम हो रहा है पर हाँ ठीक है। आईबीबो है, आईबीबो एक बहुत ही फेमस सोशल मीडिया है। HI5 है, हाई फाई जिसको कहा करते हैं, हाई फाइव के नाम से। ट्विटर है, नो डाउट जानते हो। लिंक्डइन एक भी नेटवर्किंग है, बट ये आप एक पर्टिकुलर जॉब ओरिएंटेड यूज़ किया करते हो, आपको कोई जॉब चाहिए तो आप अपना प्रोफाइल उस पर शेयर करते हो, कोई किसी बंदे को जॉब के लिए पर्सन चाहिए तो वो हायर करता है आपको वहाँ से आपके प्रोफाइल के बेस ही। नाउ इंस्टाग्राम एक बहुत ही फेमस हो गया है, इसके अलावा जो है ना आपका पिंट्रस्ट है, ये भी बहुत ही फेमस हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ से याद करना है, ठीक है। एंड फॉर्म्स वगैरह की बात करते हैं तो ये आपके जो है ना सी नेट है, बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्म्स मिलते हैं, इन द सेंस आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे अथेंटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं सी नेट से। कोरा आप लोग खैर बहुत अच्छे से जानते हो, अपनी क्यूरीज वगैरह को सर्च करते हो, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे लोग ब्लॉग करके लिखते भी हैं। टैक्सपोर्ट है, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प यहाँ पर मिलती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये, तो आप इनका यूज़ करते ही हैं खैर अपनी डेली लाइफ में। थ्रेशोर टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये एक टूल है, ये टूल किसके लिए है बताइएगा? दिस टूल इन एमएस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, ये टूल एमएस वर्ड के अंदर किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्पेलिंग सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, सैनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसका आप कोई मुझे शॉर्टकट बता सकते हैं तो और ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। अगर किसी ने आंसर इसका दिया है तो ठीक है, बट साथ के साथ मुझे इसका शॉर्टकट की भी ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर थ्रेशोर्स? नहीं, F7 तो नहीं है, देखो इसका तो खैर ठीक आंसर तो आपने दे दिया मुझे, सैनोनियम्स एंड एंटोनियम्स है, जिसको पर्यायवाची शब्द के रूप में जो है ना आप लोग जाना करते हैं, तो वो आपका जो है ना क्या रहेगा, वो आपका थ्रेशोर्स रहेगा डियर, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक के लिए होता है ये, शिफ्ट प्लस में F7, ठीक है ना, शिफ्ट F7 यूज़ करोगे तो इसका शॉर्टकट जो है ना आपका निकल के आएगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है,
एंड कंप्यूटर डिवाइस एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डेटा प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा है आप लोगों का, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो वो कौन सा डिवाइस है या क्या इसका ठीक आंसर रहेगा आपका बताओ. एकदम इजी सवाल है, कुछ मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया. दैट इज अ कंप्यूटर इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कंप्यूटर ही इसका ठीक आंसर है हमारा. मतलब आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आसानी से जानते ही हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होती है एक आपकी. इनपुट है, आउटपुट है एंड प्रोसेसिंग डिवाइस आर ग्रुप्ड टुगेदर प्रेजेंट एन. इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, तकरीबन मैं यूं कह सकता हूं कि आप IPOS ये एक सिस्टम बना दिया है. IPOS जो सिस्टम है ना, ये किस पे बेस्ड है, मतलब ये होता क्या है, आपसे सवाल ये किया है इन्होंने, ठीक है ना. तो IPOS क्या चीज है आपकी बताइएगा. राइट, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर सिस्टम. इसी को ही आप लोग पूरे को ही क्या कहते हो, इसी पूरे को ही आप लोग कंप्यूटर सिस्टम के नाम से पुकारा करते हो. यही आपका एक कंप्यूटर सिस्टम होता है पूरा. अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक पूरा कंप्यूटर है उसके अंदर क्या चीजें होती है. एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होती है, सभी चीजें होती है. तो देखो कितना ईजी, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर ये सारी ही चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना. ऑल ऑफ दीज, ये सारी ही चीजें है होती है. कंप्यूटर गैदर डेटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर टू डेटा. कंप्यूटर गैदर करता है डेटा. कंप्यूटर गैदरिंग करने का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना है. कंप्यूटर को गैदर करना मतलब इकट्ठा ही होता है आपका. तो ये क्या चीज़ें हैं, तो कंप्यूटर जब भी इकट्ठा करेगा इट मीन्स ही क्या होता है, इट मीन्स ही इनपुट ही होता है. इकट्ठा किया है, उसके बाद CPU ने फैच किया है, उसको प्रोसेस किया है, एग्जीक्यूट किया है, उसके अलावा हमारे पास डिकोड करके आउटपुट हमें पहुँचा दिया है. Blanks is a processed by the computer into information. ठीक है ना, कंप्यूटर को कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन में बदल देना, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन में. ये बात याद रखना कि जो आपकी आउटपुट होती है ना, आउटपुट उसी को ही आप लोग क्या कहते हो, उसी को ही आप लोग इसको इंफॉर्मेशन के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना. आउटपुट को ही आप लोग इंफॉर्मेशन कहते हो, ये याद रखिएगा, ठीक है. और ये होता क्या है आपका, ये होता है डेटा. डेटा को ही हमेशा प्रोसेस किया जाता है, ये बात याद रखना. डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन. मतलब कहने का ये हो गया कि आप इनपुट में क्या देते हैं, आप इनपुट में डेटा दिया करते हैं, ठीक है ना. डेटा दोगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा 5+2 करके दिखाओ, दैट इज डेटा. ये डेटा है, और डेटा को आपने दिया है किसको, CPU को दिया है, और CPU ने उसको प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन 7 करके दे दिया. इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या है, इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू आउटपुट ही है. कंप्यूटर इज ए डिवाइस विच प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूजफुल. कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि आपके प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को. प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, या इनपुट है, या इंस्ट्रक्शन है, इसका क्या ठीक आंसर रहेगा आपका बताइएगा, ठीक है जी. इसका सही आंसर है आपका इन्फॉर्मेशन. मतलब आउटपुट में आपको जो देता है ना, वो तो इन्फॉर्मेशन ही होती है. आपके पास में जो मिलती है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप इन्फॉर्मेशन का नाम से पुकारा करते हैं. प्रोसेस्ड डेटा इज रिट्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ. जो आपका प्रोसेस डेटा होता है ना, वो रिट्राइव कर लिया जाता है कंप्यूटर में, लेकिन किसकी हेल्प से. तो प्रोसेस्ड डेटा किसकी हेल्प से रिट्राइव किया जाएगा. नहीं, तुम रैम लगा रहे हो, CPU, RAM, इनपुट आउटपुट, क्या ठीक आंसर है बताओ. किसी ने इनपुट दिया है, CPU दिया है, यार किस डिवाइस के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगी. आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलेगी ना. मैं कह देता हूँ कि मेरे CPU ने बहुत ढंग से काम कर दिया, पर मुझे दिखेगा कब, जब मेरे पास में मॉनिटर होगा तो दिखेगा ना. बिना मॉनिटर कैसे दिख सकता है. मैं कहूँगा प्रिंट, मेरे को कोई डेट, कोई आपका जो है ना डेटा प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए, तो मेरे पास जब प्रिंटर होगा तभी तो मेरे पास में सब काम बनेगा ना. तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट ही डिवाइस से ही. आप सारे इनपुट पता नहीं क्यों कर रहे हो यार. यार इनपुट डिवाइस से थोड़ा ना आपको प्रोसेस डेटा दिखेगा. प्रोसेस किया हुआ डेटा तो आउटपुट डिवाइस से मिलेगा ना.
प्रिंटर हो लिया, चाहे वो कोई भी और भी डिवाइस हो लिया, और कुछ रैम लगा रहे हैं, रैम तो एक अल्टीमेट लेवल हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग लेवल है भैया, ठीक है ना। अच्छा, रैम में एक मैंने दो तीन बार पूछा है तुमसे, अगर तुम्हें याद हो गया तो बताना, एसडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम में एक एसडी रैम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैम में एसडी रैम का फुल फॉर्म क्या है? देखो क्या होता क्या है, एक्चुअली आपके पास में ना दो रैम होती है, एक रैम होती है जिसको कहा करते हो आप लोग एस रैम कहा करते हो। एस रैम का मतलब क्या होता है? एस रैम का मतलब होता है आपका स्टैटिक रैम, ठीक है ना, स्टैटिक रैम होता है इसका फुल फॉर्म। और एक इसी की बहन होती है जिसको कहा करते हो डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डी रैम का फुल फॉर्म होता है आपका डायनामिक रैम, ठीक है ना, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है ना ये होती है फास्ट, और डायनामिक रैम जो होती है ना वो क्या होती है? स्लो। स्टैटिक रैम जो होती है ना ये होती है आपकी कॉस्टली, महंगी मतलब, और ये होती है चीप, सस्ती, ठीक है। अच्छा, जो एस रैम होती है ना आपकी, स्टैटिक रैम होती है, ये नीड नोट एनी रिफ्रेशमेंट, नीड नोट एनी रिफ्रेशमेंट। और ये डी रैम डायनामिक रैम होती है ना, ये नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड, ठीक है ना, नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड, हर मिली सेकेंड में रिफ्रेशमेंट की नीड होती है इनको, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एस रैम डी रैम का एक और फर्क होता है, एस रैम बनी होती है किसकी? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। और जो डी रैम बनी होती है ना आपकी, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैपेसिटर की बनी होती है, ठीक है। ये तो एस रैम और डी रैम का फर्क है, लेकिन मैंने तुमसे जो पूछा था वो पूछा था एस डी रैम पूछा था, इसका मतलब है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आजकल एक रैम चल रही है जिसका नाम है DDR। इस DDR का फुल फॉर्म क्या बताएगा कोई? DDR का फुल फॉर्म DDR का फुल फॉर्म क्या है? डबल डेटा रेट, शाबाश, ठीक है ना। DDR का फुल फॉर्म होता है आपका डबल डेटा रेट, ठीक है ना, DDR का फुल फॉर्म ये होता है आपका। चलो सर, नेक्स्ट पे जाते हैं फिर हम। अब हम लोग इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो किस रूप में स्टोर की जाती है? एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा, हाइब्रिड डेटा। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है? शाबाश, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा। कंप्यूटर के अंदर रहती ही सारी इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में ही रहती है आपकी, ठीक है, जिसको आप लोग ना इस तरीके का ग्राफ बनाया करते हैं। अच्छा, एक दिन एक बच्चे का कंफ्यूजन चल रहा था एनालॉग और डिजिटल का, ठीक है ना। अब ये एनालॉग तीन टाइप के कंप्यूटर हैं आपके, यहाँ पे तीन टाइप की इंफॉर्मेशन है तो तीन टाइप के कंप्यूटर भी हैं। एनालॉग टाइप का कंप्यूटर भी होता है, ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का जो इनपुट होता है ना आपका, और वो भी कैसी होती है? इनपुट भी इसकी एनालॉग ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आउटपुट जो है ना इसकी, वो भी कैसी होती है? इसकी एनालॉग ही होती है आपकी, ठीक है। ये ना ये बंदा रोज पूछता है यहाँ बिहार से कौन है। कुमार मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम ये बात क्यों पूछते हो बिहार से कौन है? तुम बताओ बिहार से हो, कहाँ से हो बिहार में? हाँ, कहाँ
कहाँ से हो बिहार में बताओ तुम? अगर मान लो कोई बिहार में हुआ तो तुम क्या करोगे बताओ? अब उसके लिए क्या करोगे? क्या कर दोगे उसके लिए? तुम जाओगे, गले मिलोगे उससे? ऐप पर क्लास कब है सर? अब तो नहीं है राजेश जी, हो गया वो। गुड इवनिंग डियर। छपरा, ठीक है, अभी तो नहीं है डियर, जब होगी तब आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो एनालॉग इनपुट है, एनालॉग ही आउटपुट है। इसके बहुत सारे जो एग्जांपल हैं एनालॉग कंप्यूटर के, वो कौन सा है आपका? वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर है। इसके अलावा आपका एमीटर है, एमीटर इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल वाट मीटर हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जांपल है। अरे नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, बुरा कुछ नहीं लगा मुझे, मैं तो वैसे क्यूरियोसिटी के मार्ग पूछा है। पूछो बेटा, कोई बात नहीं है, कभी जोड़ियां भी बन जाती है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़े। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नॉन एज। हाँ ठीक है मोनिका, जरूर करवाएंगे। अगर आपके पास में कुछ पेपर पड़े हो तो सुनील सर टेस्ट बुक टेलीग्राम चैनल के डिस्कस ग्रुप में डाल देना आप, ठीक है। किसी के पास में कोई पेपर पड़े हों, पुराने पड़े हों पेपर, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, कोई भी पेपर हो चाहे वो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि इस क्लास में वो मैं सोल्व करवा दूं, तो आप सुनील सर टेस्ट बुक नाम का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो, यहाँ पे डिस्कस ग्रुप में डाल देना, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी सी यूनिट जो है ना, उसको क्या कहते हो आप लोग? तो सबसे छोटी यूनिट को डियर आप लोग जो है ना, वो बिट के नाम से जानते हो। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। सबसे छोटा बिट होता है, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अगर मैं यूं कहूँगा कि अभी तक के लिए कोई नहीं है, थोड़े दिनों बाद जब स्टार्ट होगा विनोद जी तब जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। एक बिट का बाइनरी, बिट का फुल फॉर्म तो बाइनरी डिजिट हो गया, लेकिन अगली बात मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बिट को स्टोर कौन करता है, तो बिट को स्टोर करने वाला होता है डियर आपका फ्लिप फ्लॉप, ये भी याद रखना, ठीक है ना। बिट को स्टोर कौन करता है? बिट को स्टोर करता है आपका फ्लिप फ्लॉप जो है ना, ये बिट को स्टोर करता है आपका, ठीक है। इसके बाद की बात ये है आपके पास में कि ये जो एक बिट है आपका, इसके बाद अगर मैं चार बिट एक साथ ले लेता तो क्या बन जाता? तो चार बिट का बन जाता है आपका एक निब्बल बन जाता है, ठीक है ना, एक निब्बल बनता है आपका। और जो ये बाइट दे रखा है ना, ये अगर मैं 8 बिट ले लेता ना, तो इसका बन जाता है एक बाइट बन जाता है आपका, एक बाइट बनता है 8 का, ठीक है ना। और अगर मैं कह देता आपका डिजिट, डिजिट तो सिंगल ही होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये डिजिट ही है आपका। ये मेगा बाइट है ना, ये क्या होगा? मेगा बाइट का मतलब ये है आपका 1024 जो है ना आपका किलो बाइट ले लिया आपने अगर, तो इसका बनता है 1 MB यानी कि मेगा बाइट। और मेगा बाइट को आप लोग जो है ना याद रखिएगा, मिलियन बाइट के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना, मिलियन बाइट। ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ मिलियन बाइट क्या होता है, ऐसे कई बार बिलियन बाइट भी पूछते हैं कि बताओ बिलियन बाइट क्या होता है, ठीक है ना, बिलियन बाइट। तो बिलियन बाइट्स के बारे में पूछे तो आंसर आपका होगा 1024 MB का जो बनेगा ना, वो बनेगा 1 GB, गीगाबाइट। और गीगाबाइट को ही आप लोग बिलियन बाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है कि एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, एक ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसको आप लोग देख सकते हो और टच कर सकते हो, तो नो डाउट वो क्या होगा? आपका हार्डवेयर होगा, ठीक है ना। चलो मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप में से, ठीक है ना, मैं आपके लिए खाली स्लाइड लेके ना एक कंसेप्ट करवाता हूँ आपको ही। हाँ
मुझे तुम ये बताओ, एक नंबर है ये, इसका ना वंस कॉम्प्लीमेंट करके दिखाओ आप मुझे, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करके दिखाओ। कुछ पेपर के आए हुए सेम सेम सवाल आपसे पूछूंगा आज मैं, इसमें मैं वंस कॉम्प्लीमेंट इसका किसने किया? वंस कॉम्प्लीमेंट में जो डिजिट दे रखी है ना, उसका उल्टा कर देना होता है ना। तो करोगे वन का क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का क्या हो जाएगा? वन। वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो 101 जीरो। अगर ये किसी का आंसर है ना तो उसका ठीक है, ठीक है, जो दिया है उसका आप लोग उल्टा कर दो। अब मैं अगर ये पूछूं, एक नंबर दे देता हूं मैं आपको, वन 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 जीरो जीरो वन वन, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो। चलो अटक कैसे गए, करो जल्दी करो। नो आइडिया, अरे इतना लंबा कैसे आ गया ये? देखो टूज कॉम्प्लीमेंट अगर करना हो आपको, एकदम इजी सवाल है ये, मुश्किल नहीं है, पर इनमें हर कोई बच्चा अगर हार जाए या रुक जाए तो कैसे करना होगा हमें। देखो कभी भी आपको वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट दे देना, होते तो देखो ये कई कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, सेवंस कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, कई सारे कॉम्प्लीमेंट है ये। लेकिन आपको ना ये वंस और टूज दो याद कर लो, वो बहुत है काम के लिए, पेपर के सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही वाले हैं, ठीक है ना। तो कभी भी टूज वंस कॉम्प्लीमेंट दे दे, कोई भी नंबर देगा तो जीरो वन ही देगा, ठीक है ना। अब आपको मैं बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोई भी नंबर देगा आपको वो यूं ही देगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कोई भी नंबर दे देगा वो, इतना बड़ा नंबर वो कभी नहीं देगा, वैसे बता देता हूँ, छोटा सा नंबर देगा, चार पाँच बिट का ही देगा, पर मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा नंबर ले लिया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना, जो आपको दिया उसका नोट गेट के साथ लगा दो, जो दिया है उसको किसके साथ लगा दो, नोट गेट के साथ लगा दो। ये नोट गेट होता है इन्वर्टर गेट, ये बताऊंगा अभी मैं समझाऊंगा, पर अभी के लिए समझो इन्वर्टर कर दो, उल्टा कर दो। मतलब इस बिट का वन था, वन को क्या कर दो आप लोग, जीरो कर दो, आगे वन को जीरो, जीरो को वन, आगे ट्रिपल वन है ना, तो इनको क्या कर दो, ट्रिपल जीरो कर दो, आगे जीरो है इसका वन, इसके आगे क्या कर, डबल जीरो, बस ये हो गया, ठीक है ना। तो सिंपली कर दो, इन्वर्ट कर दो, इनको पलट दो और कुछ ना करो आप लोग। जो भी आपको नंबर दे रखा है, अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसको ही आपको ऐसा सिंपल ही याद करना है, इतना ही आपको पलट के लिख देना है। दूसरी बात समझो, थोड़ी सी ज़रूरी है ये, ज़्यादा ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा चौकन्ने होकर सुनना, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर दिया टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, वन वन जीरो वन वन, ये नंबर दिया है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहला स्टेप है आपका, ठीक है ना, पहला स्टेप है उसमें तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो स्टेप होगा आपका, दूसरा स्टेप, दो स्टेप अपनाने होंगे इसमें, दूसरे स्टेप में वन ऐड करना होगा, ठीक है ना, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया ना उसमें वन ऐड करना होगा। तो इसका पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट करो, डबल वन है ना, इनका क्या हो जाएगा, डबल जीरो, जीरो का क्या हो जाएगा, वन, डबल वन का फिर क्या हो जाएगा, डबल जीरो, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया ये,
ठीक है सर। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको वन ऐड करना होगा, ध्यान रखना इसमें वन ऐड करना होगा, वन ऐड कर दो। अच्छा, वन जीरो क्या होता है, वन होता है, आगे तो सब कुछ सेम होगा ही, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। जीरो फिर वन फिर जीरो जीरो, दैट इज़ द आंसर, जीरो जीरो वन जीरो वन। अगर ये किसी का आंसर है ना, तो ये है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर फ्री का नंबर होता है ये, अगर पल्ले पड़ गया एक बार में तो पड़ गया, चौकन्ने होके सुन लिया तो, वरना आपको कई बार मत्थापच्ची करनी पड़ेगी, जल्दी समझ नहीं आएगा। ये है एकदम इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। अभी मैं इसमें चुटकू सा कंसेप्ट और बताता हूँ, तो इसको ये थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, इसको हल्का सा टफ करते हैं, हल्का सा टफ, ज़्यादा टफ नहीं है। एग्जामिनर आपको जर्नली वही देता है, जैसे आपको पेपर में वो ये देगा, वन वन जीरो जीरो वन जीरो, ये देगा, ध्यान से सुनना आप लोग इनको, ठीक है ना। और ये जो कोई नंबर है आपको मैंने दिया, मैंने कहा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है ना पहला स्टेप क्या करना है, उसको वंस में बदलो। वंस में बदल दिया इसको मैंने, तो वन का उल्टा जीरो, वन का सॉरी जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, फिर डबल जीरो तो क्या आ जाएगा डबल वन, डबल वन तो क्या आ जाएगा डबल जीरो। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ये तो एकदम ईजी था। अब मुझे क्या करना है, इसमें वन ऐड करना है, वन ऐड करना है, ठीक है वन ऐड कर दो। अब कन्फ्यूज़न आ गया थोड़ा सा, एक क्या कन्फ्यूज़न आ गया सर, कन्फ्यूज़न ये आ गया कि एक और एक तो दो होते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक क्या है, दो नहीं होते हैं आपके। यहाँ याद रखना, बाइनरी में जब भी एडिशन करते हो तो ध्यान देना, वन वन जीरो होते हैं और कैरी आ जाती है ऊपर एक। बड़ी चौकन्ने होके सुनना, एक बार में समझ में आएगी बात, चौकन्ने होके सुनना, ध्यान मत भटकाना। क्या कह रहे हैं सर, वन वन जीरो होता है बाइनरी एडिशन के अंदर, ठीक है ना, वन वन जीरो और कैरी चली जाएगी ऊपर, हासिल आती है। जैसे आप जोड़ते हो ना कोई चीज़ तो मैथ में करते, ऐसे ही यहाँ बाइनरी के अंदर एडिशन करते हैं तो वन वन जीरो और ऊपर हासिल चली गई एक। अब नॉर्मल, अच्छा वन जीरो क्या होता है, वन जीरो तो क्या होता है, वन होता है आपका, आगे सब कुछ सेम है ही, तो आगे लिख ही दीजिएगा वन वन जीरो जीरो। ये है आपका इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट, चुटकू सा टफ किया था, हल्का सा। एक ऐसा एग्जांपल और लेके कर रहा हूँ, यहीं पे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि मैंने अब आपको दिया है जीरो जीरो वन 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 जीरो, ये दिया है नंबर, और मैंने कहा है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो। आपको अच्छे से पता लग गया, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, मैंने यही नंबर ले लिया ना, अब आपका दिख रहा हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्या कर दूं मैं यहाँ पे, वन कर दूं, ठीक है ना, क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है ना, ये वन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रिपल जीरो, फिर क्या आ जाएगा आपका डबल वन। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इसमें वन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, वन ऐड कर दीजिएगा, कौन मना करता है। वन वन क्या होता है, वन वन सर ने अभी बताया जीरो होता है, ठीक है ना, कैरी क्या चली जाएगी ऊपर, वन चली जाएगी, हाँ सर चली जाएगी। वन जीरो क्या होता है, वन, और उसके बाद में तो क्या है डबल जीरो, और उसके बाद में क्या है डबल वन, ठीक है ना। एक बार देखो क्या ये सेम चीज़ आई है कि नहीं आई है, अगर ये सेम चीज़ आ गई है, ठीक है ना, तो समझो हमने सही किया है। अगर सही सेम नहीं आया तो सही नहीं किया है, क्योंकि वही चीज़ आना चाहिए था ना आपका। तो मैंने ये दोनों चीज़ इसलिए बता दी ताकि आपको थोड़ा विश्वास भी हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रट्टा तो नहीं मार रहे हैं हम लोग, हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तुम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हो, एकदम ओके कर रहे हो। तो इसको हल्का सा टफ एग्जामिनर और बना सकता है, मतलब कैलकुलेशन ही बढ़ेगी उसमें, कोई ज़्यादा है नहीं, कंसेप्ट तो सेम ही है, अब कोई कंसेप्ट नहीं बदलने वाला। लाइक आपको यूं कह दे एग्जामिनर अब क्या कि 00 1 1 0 0 ऐसे कर दे आपको, ठीक है ना, या एक जीरो और लगा दे समझ लो, ठीक है ना, ऐसे कर दे। अब आपको कहा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करो, देन कैलकुलेशन ही बढ़ेगी और कुछ नहीं है। आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या है ट्रिपल वन कर दिया आपने, फिर आगे डबल जीरो, फिर डबल वन, देन आपको करना क्या है वन ऐड करना है, नो डाउट आपको पता है, एक जोड़ना है, ठीक है ना, जोड़ दिए। वन वन क्या होता है जीरो, कैरी आ गई ऊपर। अब अगेन क्या है वन वन जीरो होता है, फिर कैरी चली गई ऊपर, ठीक है ना, फिर वन वन क्या होगा जीरो, कैरी चली गई ऊपर, ठीक है ना, बस तरीका वही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आगे वन जीरो क्या है वन, आगे फिर क्या है जीरो वन वन, दैट इज योर आंसर, कोई इशू ही नहीं है। बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझे लिख के बताओ, किसी को कोई डाउट है तो आप, कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे लिख के।
हाँ यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना डियर। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। चलो अब मैं तुमसे कुछ और पूछता हूँ, ठीक है ना। तो अब तुमसे मैं कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे बताना उसका आंसर बताना। एक क्वेश्चन है पेपर में ही आया हुआ है, बी ए ठीक है ना आर 81 ये दिया है, बी ए 81 और ये यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ दो दिया है। ये एज इट इज सवाल एक पेपर में पूछा गया है आपसे, एज इट इज सवाल, और ये बैंक के पेपर में पूछा गया है। कौन से पेपर में है? IBPS का सवाल है ये, 2017 मेंस, एज इट इज सवाल मैंने लिखा है आपके बैंक के पेपर का ही, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, करना पड़ेगा, सो करें सॉल्व करते हैं। चलो पहले तो आपको ना क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या ये, ठीक है ना, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है ये, ठीक है ना। एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब क्या है इस क्वेश्चन का ही। अब देखो पेपर में जस्ट क्वेश्चन इतना ही आया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में जस्ट इतना ही आया हुआ है, बट इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, आपको मतलब पूरा का पूरा ही समझना पड़ेगा ये कंसेप्ट ही। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले तो बता देता हूँ क्या है। ये जो 16 लिखा है ना, इसका मतलब होता है हेक्साडेसिमल। कुछ नंबर सिस्टम होते हैं, बड़े गौर से और बेसिक से समझिएगा, ठीक है ना। आपके पास में नंबर सिस्टम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है आपका जिसका नाम होता है आपका क्या, बाइनरी नंबर, ठीक है ना। एक नंबर होता है बाइनरी नंबर, ठीक है। एक नंबर आपका होता है क्या, बाइनरी के अलावा एक नंबर होता है बेटा आपका ऑक्टल नंबर, ठीक है ना। एक नंबर क्या होता है आपका ऑक्टल, एक नंबर आपका होता है कौन सा, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। एक नंबर होता है डेसिमल नंबर, और एक नंबर होता है बच्चा आपका कौन सा, हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है ना, हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ये है आपका यहाँ पे, हाँ बिल्कुल याद दिलवा रहा हूँ बच्चा, ठीक है ना, टेंशन क्यों लेते हो, अच्छे से याद दिला रहा हूँ, याद याद नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, चिंता ही ना करें, आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। यूँ समझना कि आपको उंगली पकड़ के ही पहुँचा रहा हूँ उस जगह तक, कोई जल्दबाजी मैं कर नहीं रहा हूँ, एकदम आराम से शांति से पढ़ा रहा हूँ। जब तक तुम्हें समझ नहीं आता तब तक इसका पीछा भी नहीं छोड़ूंगा, तो एकदम निश्चित होकर बैठिएगा और बेझिझक आप लोग जो है ना समझिएगा। ना समझ में आए तो फिर मुझसे चार बार पूछिएगा, मैं अध्यापक वैसे बिल्कुल नहीं हूँ कि ये चीज़ मत पूछो या ये वो, जो भी है आपको जब समझ में आएगा तभी आपको मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो तसल्ली से सुनो, आप टेंशन लो ही ना। तो ये चार नंबर आपके आगे है बच्चा, ठीक है ना। तो पहली बात, ये जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर में क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं, एक जीरो होता है बच्चा और एक वन होता है। जो ऑक्टल नंबर है ना, ऑक्टल नंबर का मतलब है जिसके अंदर जीरो से लेके सात तक नंबर होते हैं आपके, मतलब टोटल आठ नंबर हो गए आपके। अच्छा डेसिमल नंबर में क्या होता है, डेसिमल नंबर में जीरो से लेके नौ तक होते हैं, मतलब दस हो गए टोटल आपके, ठीक है ना। और हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं, जीरो से लेके पंद्रह तक, यानी कि टोटल कितने हो गए, पंद्रह, सोलह नंबर हो गए। हालांकि इसके अंदर ना कुछ ऐसा लिखा जाता है कि जीरो से नौ तक तो ठीक है, और उसके बाद में दस से लेके जो पंद्रह है ना, उनको अलग कोड करते हैं। लाइक जैसे ना, दस को कहते हैं ए कहते हैं, ग्यारह को कहते हैं बी, बारह को कहते हैं बारह को कहते हैं सी, तेरह को कहते हैं डी, चौदह को कहते हैं ई, और पंद्रह जो होता है ना उसको कहते हैं एफ, एफ कहते हैं। ये नंबर की कोडिंग होती है, 16 16, ये 17 17, ये उसमें कोई बदलाव नहीं है, ये अलग से कोडिंग की जाती है ताकि आगे कन्फ्यूजन्स नहीं रहे, तो इनके कोड दे रखे हैं, ठीक है। चलो ये तो नंबर हो गए आपके, अब एक तो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इनका बेस क्या होता है, इन सभी नंबरों का बेस, बेस को कई जगह पे बेस या कई जगह पे इसको ना रेडिक्स भी लिखा होता है, याद रखिएगा। कई जगह इसको बेस लिखते हैं, कई जगह इसको रेडिक्स लिखते हैं, और ये हमेशा लिखा होता है इस तरीके से, ब्रैकेट डालकर नीचे लिखा होता है। तो बाइनरी का बेस क्या होता है, दो। जो ऑक्टल होता है उसका बेस आपको यहाँ ऐसे लिखा मिलेगा, आठ मिलेगा, और डेसिमल का बेस आपको लिखा मिलेगा कितना, दस लिखा मिलेगा, और हेक्साडेसिमल का बेस आपको कितना लिखा मिलेगा, सोलह लिखा मिलेगा, ठीक है। अच्छा सर,
तीसरी बात इनमें पूछी जाती है कि इन्हीं चारों नंबरों में डेटा बिट कितनी यूज होती है, इन्हीं चारों नंबरों में डेटा बिट कितनी यूज होती है। तो बाइनरी में डेटा बिट यूज होती है दो, ठीक है ना, याद रखिएगा बाइनरी में डेटा बिट दो, लेकिन दो याद रखिएगा एक बार में यूज नहीं होती, एट ए टाइम ओनली वन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, एट ए टाइम ओनली वन, ठीक है ना, एट ए टाइम ओनली वन, एक बार में केवल एक ही बिट यूज होती है। टोटल तो इसमें मैंने कितनी बताई आपको, दो बिट होती है, एक बार में केवल एक ही, क्यों, क्योंकि या तो जीरो यूज होगा या तो वन यूज होगा, दोनों तो साथ यूज होते नहीं है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जिंदगी में बाइनरी ही होता है, या तो कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, या तो आप फिलहाल पढ़ रहे हो या तो आप नहीं पढ़ रहे हो, या आप जॉब लगोगे या आप जॉब नहीं लगोगे, या आपका ध्यान है या आपका नहीं है, बस सिंपल सी बात है ना। ऑक्टल में कितने बिट होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्टल के अंदर 3 बिट यूज होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग बच्चे 90%+ बच्चे इसका गलत करके आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कि ऑक्टल में कितने बिट होते हैं, आंसर 8 बिट लगाते हैं, ऑक्टल में 3 बिट होते हैं, इस बात को बड़े ही गौर से समझिएगा। डेसिमल में कितने बिट होते हैं, डेसिमल में बेटा होते हैं आपके 4 बिट होते हैं, ये याद रखिएगा डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में भी कितने होते हैं, हेक्साडेसिमल में भी 4 बिट है। ये है क्या चीज सर, ये बिट बिट कर रहे हो आप, इसका मतलब है ये इतना डेटा घेरती है, इतना डेटा यूज करती है, मतलब आप ये पूछो मुझसे ऑक्टल नंबर कितना डेटा यूज करते हैं, तो ऑक्टल नंबर 3 बिट का डेटा लेती है, मतलब 3 बिट की जगह लेती है। जैसे मैं कहूं कि स्वाति अपनी क्लास में एक लड़की है, स्वाति बैठने के लिए 3 आदमियों जितनी जगह लेती है, इतनी मोटी है वो, ठीक है ना। कुमार है, कुमार 4 आदमियों जगह इतनी सीट लेता है, इतना मोटा है वो, ठीक है ना। तो ऐसा समझो कि ये 3 बिट जितनी जगह लेने वाला है आपका, ये बात समझ में आ गई होगी आपको ना, इजीली समझ में आ गई है ये तो बात, ठीक है। चलो सर, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो अब अगली बात पे आते हैं हम लोग। अब ये कुछ नंबर होते हैं, नंबर का आपस में आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है ना, कैसे कैसे आपस में कन्वर्जन करना है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में हम लोग। तो आपको मैं 3, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बताता हूँ, बड़े ही तसल्ली से सुनने की कोशिश करना, आपके ज़रूर आपका जो है ना वो काम आएगा। अरे हाँ बेटा, तुम मोटी नहीं हो, ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल दिया है, तुम बहुत पतली हो बेटा, ठीक है ना, तुम तो माइनस में हो, ठीक है ना, माइनस स्वाति लिख दो, ठीक है, ठीक है, अरे मतलब तुम समझ गए, लड़कियों को मोटा कह दो तो हो अलग कहानी बन जाती है, ठीक है। खैर, तुम बेटा पतली हो मोटी हो कोई बात नहीं है, जो अगली बात सुनो फिर तुम मेरी बात, ठीक है ना। अब अगली बात ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ कुछ जो नंबर है ना, इन नंबर का आपस में हमें कन्वर्जन करना है डियर, ठीक है ना। तो इसका जो आपका नंबर में कन्वर्जन करने की बात अगर आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में, जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर दे दिया मैंने, मैं पहले आपको बताता हूँ कि बाइनरी से आप किस नंबर में कैसे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक नंबर है, ठीक है ना, ये एक नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ऐसे एरो लगाया हुआ है और इस तरीके से मैंने लिख दिया 8। तो तसल्ली से सुनना, इसका मतलब क्या होगा, ये बाइनरी है, बाइनरी और ये क्या है, ऑक्टल है। जिसका बेस 8 हो उसको ऑक्टल कहते हैं, और जिसका बेस 2 हो उसको बाइनरी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है कि जिसका बेस 8 है उसको ऑक्टल कहते हैं, जिसका बेस 2 है उसको जो है ना आपको क्या कहेंगे, उसको आप लोग बाइनरी के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। आनंद ये कमेंट डिलीट करो बेटा, तुरंत प्रभाव से डिलीट करो, किसी को गलत बोलना अच्छी बात नहीं है, मजाक तक ठीक है लेकिन एक मजाक की लिमिट अच्छी बात नहीं होती है। खैर, तो ये चीज होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बाइनरी से आपको ऑक्टल में जाना है, तो कैसे जा सकते हैं हम लोग बताइए। तो इसको जाने का जो तरीका है ना वो क्या है आपका, कि मैंने आपको बहुत ढंग से समझाना, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया 1, ये नंबर ले रखा है मैंने 1 0, और उसके बाद में क्या है 1 1 1 1, ठीक है ना, ऐसे 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 से नंबर ले रखे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब करना क्या है आपका यहाँ पे, क्या बोला आनंद ने, आनंद ने कुछ नहीं बोला, पढ़ ले चुपचाप, ठीक है ना। हाँ, तेरे को ये बताना जरूरी है कि उसने क्या बोला, तेरे को ये नहीं बताना जरूरी, पढ़ना जरूरी है, आराम कर पढ़ ले। तो अब ये जो नंबर है ऑक्टल में अगर जाना है, तो आप अपने राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बनाइएगा,
आप क्या करिएगा, तीन तीन के पेयर बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना, एक दो तीन ये हुआ और एक दो तीन ये हुआ। बात समझ में आ गई कि आप लोगों को, ठीक है ना, क्या करना है, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है ना, तीन तीन के। अगर मान लो पेयर पूरा ना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन लिख दिया होता और पेयर पूरा तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करो आप, जीरो ऐड करके पेयर पूरा करो फिर, ठीक है। आगे बात समझ में आपकी, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो आपको तीन तीन के पेयर, अब आप कहोगे सर तीन के ही पेयर क्यों बनाए, चार के क्यों नहीं बनाए, आपने दो का पेयर क्यों नहीं बनाया, छः का पेयर क्यों नहीं बनाया, तो इसका रीज़न ये है कि ऑक्टल के अंदर जो है ना आपका तीन बिट यूज होती है, ये याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। ऑक्टल में कितने बिट यूज होते हैं, कि वो कितने बिट यूज होते हैं, तीन बिट यूज होते हैं, इससे ज़्यादा तो डीप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ध्यान से सुनने की कोशिश करोगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा डीप तो कुछ नहीं हो सकता। खैर, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको पता होगा कि इतना तो डीप इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ाया होगा उनको, ठीक है, कि ऑक्टल में तीन बिट होते हैं, इस करके आप अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक जाना और तीन तीन बिट का जो है ना वो आपको पेयर बनाना है। तो ये तो सिंपल हो गया आपका। अगेन आपको बताते हैं कि क्या किया है आपने, यहाँ तक आपने क्या सीखा है अभी तक, ये देखने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ सीखी है, आपको कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है ना, ऐसे आपको कोई भी नंबर दिया हो, उसको ऐसे आपको यहाँ पे दो लिखा मिले और यहाँ पे लिखा मिलेगा क्या, आठ। इसका मतलब क्या है कि आपको बाइनरी से किस में बदलना है, इसको ऑक्टल में बदलना है डियर, ठीक है ना। क्या करना है आपको, ये बाइनरी है और ये क्या है आपका, ऑक्टल है, तो बाइनरी से किस में बदलना है आपको, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आगे बात समझ में। दूसरी बात ये है कि आपको अगर बाइनरी से ऑक्टल में बदलना हो तो देन यू यूज थ्री बिट पेयर, या तीन तीन नंबर के पेयर बनाने हैं आपको, ठीक है ना। तो आपको एक दो तीन, तीन का पेयर बना दिया, उसके बाद में आपको उस ये क्या करना है, ये भी तीन का पेयर, और अगर पेयर पूरा ना हो तो क्या करो, जीरो ऐड करके पेयर बना दो, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या किया है, कोई भी नंबर लिया है आपके आगे, ये कोई भी नंबर हो सकता है था, ठीक है ना, तीन का पेयर बनाया, एक दो तीन, फिर पेयर पूरा नहीं हुआ तो कर दिया ये। अब ये किसका नंबर है वो लिखना है आपको, तो ये देखो इसके ऊपर एक, इसके ऊपर दो, इसके ऊपर चार, ऐसे लिखो आप लोग, डबलिंग फार्मूला यूज़ करना है, याद रखना आप लोग इन नंबर के ऊपर एक दो चार, जिसके नीचे जो है ना आपका वन आए उसको आपस में जोड़ दो, जिसके नीचे जीरो आए उसको छोड़ दो, जिसके नीचे वन आए उसको जोड़ दो, जीरो आए उसको छोड़ दो। चार और दो क्या होते हैं आपके, सॉरी चार और एक क्या होते हैं, पाँच। ये किसका नंबर है आपका, पाँच का नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ये क्या नंबर है आपका, ये क्या नंबर है, ये किसका नंबर है, एक, ये क्या है, दो, ये क्या है आपका, ये क्या होगा, चार होगा। तो ये किसका नंबर है, ये दो और एक क्या हो गया, तीन। तो एग्जैक्ट इस सवाल का क्या आंसर होगा, 35 सवाल का ठीक आंसर होगा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, डीप से ही बता रहा हूँ, समझते जाओ, ध्यान से समझते जाओ, समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। ये 35 का नंबर है, ऐसे मतलब ये मेरे पास एक सवाल था, इसका क्या नंबर होगा, देखो एक, इसका दो, ये चार लिया, जिसके नीचे वन है उसको जोड़ दो, जीरो है उसको छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। तो ये याद करना है आपको, क्या चार और दो क्या हो गया आपका, ये हो गया छः। ये भी किसका नंबर है आपका, छः का ही है, ठीक है ना। ये किसका नंबर है, एक का है। तो इस सवाल का क्या आंसर हो गया, 166 इसका आंसर हो गया आपका, 116 हो गया। ऐसे मैं कोई भी और नंबर देता, 1110110110000, ऐसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने। तो इसको क्या करना है आपको, तीन तीन के पेयर बनाने हैं। क्या करने हैं, तीन तीन के पेयर ही बनाने। एक दो तीन बना लिया, 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 बना लिया पेयर। ऊपर करना क्या है, डबलिंग फार्मूला लिखना है, जो आपका बाइनरी का फार्मूला होता है, जो बाइनरी में आप यूज़ किया करते थे वही आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। ये होता क्या फार्मूला, जितने भी नंबर है उनके ऊपर क्या करो आप, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। वन, वन का डबल क्या होता है, टू, टू का डबल क्या होता है आपका, फोर, ठीक है। ऐसे इनके ऊपर वन डबल टू डबल फोर, वन का डबल टू डबल, टू का डबल फोर, वन वन का डबल टू, टू का डबल क्या होता है, फोर। बस यही करना है, कुछ नहीं करना। तो ये जिसके नीचे वन है उसको जोड़ दो, जीरो है उसको छोड़ दो। ये किसका नंबर है, वन का। ये किसका नंबर है बताओ, दो और एक किसका है, ये तीन का। ये भी किसका नंबर है, तीन का। ये किसका है, चार, दो छः और एक सात, क्योंकि तीनों के नीचे वन है ना, तो तीनों ही जोड़ेंगे सात। तो सात तीन तीन एक, बिल्कुल सही आंसर कर तो रहे हो आप लोग, क्या ही दिक्कत है, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, एक आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको देता हूँ एक सवाल। मान लेते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया होता आपके आगे,
अब इसका नंबर बनाना होता मुझे तो क्या करूँगा बताओ, मैं क्या इसका आंसर होगा बताओ आप लोग। तीन का पेयर ले लिया मैंने, एक दो तीन, तीन का पेयर हो गया। अच्छा इसके बाद में ये भी क्या है, तीन का पेयर ले लिया, उसके बाद में ये भी क्या है, तीन का पेयर ले लिया। पेयर अगर पूरा नहीं हुआ है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जीरो ऐड करके पेयर पूरा कर दूंगा, यही करूँगा ना मैं। हाँ सर यही करोगे। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप ही बताओ क्या आंसर होगा इसका। सारे आप सारे ही बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। शाबाश, इसके ऊपर 1, 2, 4 लिखा, बस सिंपली ये 1, 2, 4 वाला ध्यान रखना है, डबल करना। अगर मान लो 4 बिट होता तो मैं 8 लिख देता, फिर 5 बिट होता तो मैं 16 लिख देता, डबल करते जाना है बस मुझे, ठीक है ना। तो 4, 2, 6 और 1, 7, ये किसका नंबर है आपका, 7 का। ये किसका नंबर है बताओ, 1, 2 और 4, केवल 2 के नीचे 1 है ना, तो ये किसका नंबर हो गया आपका, 2 का। ये किसका नंबर है बताइएगा आपका, 4 का ही नंबर होगा। ये किसका नंबर, 1 का। 1427 इसका आंसर अगर आपने दिया है तो एकदम एग्जैक्ट सवाल है, आपका आंसर सही है। समझ गए क्या, एक और करवा देता हूँ ताकि तसल्ली मिल जाए मुझे और आप दोनों को ही कि हाँ सब को समझ में आ गया है, और कोई डाउट आ जाए तो प्लीज़ पूछ लेना, पर बात वही पूछना जो आपको ना समझ में आई हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा लंबा ले लेता हूँ ताकि आप ही को करवा पाऊँ ये सवाल, आप ही फिर पैरेलली आंसर देते रहना मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये तो पूरा दिख नहीं रहा आपको, इसके आगे आड़े मैं अट गया, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। अब तीन तीन के पेयर लेते हैं, तीन का पेयर बताओ किसका नंबर है, ये इजीली बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कि ये नंबर किसका है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि ये नंबर किसका है, तो अगर आपको तीन के पेयर बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तीन तीन के पेयर बनाने हैं तो यूँ समझिएगा कि आप तीन का पेयर बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 4, और 4 और 2 कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। तो इसका ये नंबर किसका हो गया, 6 का बाइनरी नंबर है ये। अगेन आप आगे चलो तो तीन का पेयर बनाओ, 1, 2, 3 हो गया ये, तो ये तीन का पेयर बनाओगे तो ये किसका नंबर है, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 और 1 क्या होता है, 4 और 1 क्या होता है आपका, 5 होता है। तो ये किसका नंबर हो गया आपका, ये 5 का नंबर हो गया आपका, ठीक है ना। ये किसका नंबर हो गया आपका आगे, अगेन सेम ये किसका नंबर है, 5 का ही ये नंबर है। ये भी अगर देखोगे तो किसका नंबर है, 5 का नंबर है। ये देखोगे तो किसका नंबर है आपका, 3 का दिखेगा इसे आपको। ये किसका नंबर दिखेगा, ये 5 का दिखेगा। ये किसका नंबर आपको दिखेगा आगे, तो ये नंबर आपको दिखेगा 4 और 2, 6 का, ठीक है आपका। ये किसका है आपका, 3 का। ये किसका दिखेगा आपको, 7 का। बस तो मेरे हिसाब से अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप मुझे एक बार बताइएगा कि क्या आपको कोई डाउट रहा है क्या इसमें, इतने से पॉइंट में आपको कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, आपको मुझे बताइएगा आप लोग। लास्ट में कैसे एडिंग, सर लास्ट में ऐड नहीं करना, लास्ट में सिंपल नंबर को लिखना है, इनको जोड़ना थोड़ना है, इनको सिंपल लिखना है ऐसे। ये इसका आंसर होगा 73, 65, 65, 6, बस ये आंसर है, सीधा लिखना है इकट्ठा करके, जोड़ना नहीं है इनको, समझ गए। ये बात समझे कि नहीं समझे पहले बताओ, लास्ट स्टेप कौन सा डियर, लास्ट स्टेप कौन सा, समझ गए, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या, एक बच्चे को थोड़ा डाउट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, जैसे मैंने ये नंबर लिया है कोई भी, ये 3 बिट है, एक बार ध्यान से देखना, मैंने 10 सवाल बता दिए फिर भी कोई बात नहीं, पर एक बार लास्ट फिर बता रहा हूँ, 1 लिखोगे, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, डबल डबल करके लिखना है, ठीक है। जिसके नीचे 1 है ना, उन उनको आपस में जोड़ना है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसको छोड़ दिया, तो इसका आंसर क्या है, 4 + 1 को जोड़ना है, इस 4 को और इस 1 को जोड़ना है, ठीक है ना। और 4 और 1 क्या होगा, 5, ठीक है। चलो अब दूसरा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास में होता ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता आपका, और यहाँ पे लिखा होता, अब अगर 2 और 2 से यहाँ से चला जाता मैं 16 पे चला जाता सीधा,
8 के बाद डायरेक्ट 16 पे जा रहा हूँ मैं, यानी कि हेक्सा पे जा रहा हूँ मैं, जो मैंने क्योंकि पेपर में जो सवाल दिया था ना, आया था आपका बी ए वाला जो भी है, मैं उस तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत लंबा है, चलता ही रहेगा आपका, ठीक है ना, इतना क्लास ही पूरी हो जाएगी, कहीं वो सवाल ही ना समझा पाऊँ, तो मैं जितना पढ़ा पाऊँ उतना तो पढ़ाऊँ। तो ये कोई नंबर दे रखा है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है ना। एस सी सी जी एल के लिए कंप्यूटर आपसे पढ़ना है सर, प्लीज़ आपका और वीडियो पढ़ रहा है फ्री। बेटा इसी यूट्यूब पे देखो, ठीक है ना, मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको कहने का मतलब ये बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जाना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, चार चार बिट के पेयर बनाने हैं, बस इतना याद रखना, चार चार बिट के पेयर बनाने हैं आपको। तो ये 1 2 3 4 ले लीजिएगा, 1 2 3 है, पूरा पेयर ना बने तो क्या कर दो, तो 0 ऐड करके पेयर बना दो, बात ही खत्म। ऊपर वही चीज़ें लिखनी है, कुछ अलग नहीं है, 1 2 4 बस, अब 8 हो रहा जाएगा, क्योंकि 4 बिट होगी ना आपकी, पहले 3 थी, अब 4 बिट होगी, ऐसे ही 1 2 4 और 8 आ गया। जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ दो, 1 है उसको जोड़ दो। ये नंबर 77 का है वैसे, इसका आंसर 77 है। वाह शाबाश, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बच्चों ने लिख भी दिया आंसर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया है। समझ गए ना आप लोग, आसानी से शायद समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। फिर आपको बताते, अरे बेटा जो ऊपर वाले नंबर है ना, जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है, उनको आपस में जोड़ना है, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ना है। अब इस बार देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, 4 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4, इसके ऊपर नंबर लिखा है 1 2 4 8। ध्यान से देखो, समझ में आएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना। 4 है तो मैंने 1 डबल 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, इसमें कोई गणित नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है, डबलिंग ही करना है आपका, ठीक है ना। जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ दो, मेरी बात पर ध्यान देना, कमेंट को छोड़ के ध्यान से देखना, दोबारा नहीं बताऊंगा फिर। जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। जिसके नीचे 1 है ना, उसमें ये ऊपर वाले नंबरों को आपस में जोड़ना है, इन ऊपर वाले नंबरों को आपस में जोड़ना है, दैट इज 8 और 2 10 और 1 11। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये नंबर 11 का है, ध्यान रखना, इसका आंसर 11 है ये, ठीक है ना। ये 4 का पेयर फिर बनाया, इसमें 1 2 4 8 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 के नीचे 0, इसको छोड़ देना, तो इन तीनों के नीचे 1 है, तो इन तीनों नंबरों को ऊपर को जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, ये 7 का हो गया, ये पेयर बनाना है, पूरा कर दिया, ये किसका होगा, 2 और 1 3 का होगा। अच्छा, 11 को 11 नहीं कहते, 11 को बी कहते हैं, सर ने अभी बताया था, 10 का ए है, 11 का बी है, 12 का सी है, 13 का डी है, 14 का ई है, 15 का एफ है, ठीक है ना। तो 11 को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, 37B। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं था, ठीक है ना, मैंने मेरी जी जान से समझा दिया, ठीक है, मैंने मेरी जी जान लगा के बता दिया। अब इसका कोई और तरीका, पहले तो बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखना था, समझ में आया कि नहीं आया। राजेश को समझ में आ गया, चलो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, इसी बच्चे को डाउट सा आ रहा था, ठीक है ना, गॉट इट, चलो बहुत ही बढ़िया। और पूछते हैं आपसे सवाल, और पूछते हैं, ये एक नंबर है, चलो ये एक नंबर है, ठीक है ना, इस नंबर का आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इस नंबर को कन्वर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो किस में कन्वर्ट करना है, वही हेक्सा में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस 16 हो ना उसी में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो करिएगा, कितने कितने के पेयर लेंगे आप, 4 के पेयर लेंगे, ठीक है ना, ये 4 का पेयर है, ठीक है ना, 4 का पेयर लेंगे हम लोग। तो ये किसका नंबर है बताओ आप लोग, 1 2 4 8, 8 और 4 12 12 और 1 13, 13 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 13 का बाइनरी नंबर होता है डी, ठीक है ना, 13 का बाइनरी नंबर होता है डी, ठीक है। और ये किसका नंबर है अगेन, ये भी 13 का है, इसका भी डी, तो इसका सही आंसर है डी डी, ना कि सी सी, डी डी इसका सही आंसर है। मोनिका समझ में आया बेटा, एक और दे रहा हूं,
ठीक है, ये करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए सारे इसका आंसर क्या होगा। नमस्ते बेटा, केवल बैंक परीक्षा अध्ययन। EEE EEC लिखा है सबने। अरे वाह, राजेश का भी आंसर आ रहा है अब तो, शाबाश। एक मोनिका कहाँ गायब होगी, उसको डाउट आ रहा था, उसका भी आंसर आ जाए, शाबाश जोहा, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे ये किसका नंबर आ रहा है आपका। यहाँ पे ये नंबर है आपका 1 2 4 8, तो 8 और 4 क्या होते हैं, 12। 12 का मतलब क्या होता है, सी होता है, तो सी लिख दिया। ये किसका नंबर है, 14 का नंबर है, 8 4 12 13 14, तो 14 का नंबर, 14 को कहते हैं ई। ये भी 14 ही है, 14 को भी कहते हैं ई, तो EEC ही इसका सही आंसर है आपका, एकदम ओके है, डन। एक और कर दो फिर मैं इससे आगे बढ़ूंगा, बस लास्ट इसमें और करवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं इससे अगला कंसेप्ट कराता हूँ आपको। ये करके दिखाओ बस, हेलो प्रवेश। हाँ राजेश रहता है क्लास, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सुनील सर टेस्ट बुक। ये कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तो हाँ तुम बिल्कुल ओके हो, एकदम ठीक हो, कोई गड़बड़ नहीं किया तुमने। वेरी गुड, FEDCA, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर इम्पॉर्टेंट। ये नंबर है F का, मतलब 15 का नंबर है ये, ठीक है ना। ये नंबर है 14 का, यानी कि E का। ये नंबर है 13 का, यानी कि D का, ठीक है ना। और इसके बाद में ये जो नंबर है ना आपका 8 4 12, ये 12 का जो नंबर है ये क्या होता है आपका, सी का होगा। और ये किसका है आपका, ये नंबर है ए का है, ठीक है ना। नहीं आया समझ, दोबारा पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कई बार नहीं होता, दिमाग में नहीं पकड़ बैठती है सबके, आ जाए हमारे नहीं आती कोई, वो बात जो ना समझ में आई वही पूछना, ताकि मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ। सब पूरे मैं वही बात दोबारा गाथा गाने लग जाऊं कोई मजा नहीं आएगा। एग्जैक्ट जो बात नहीं समझ में आई मुझसे वो पूछ लेना, ये सब बच्चों के लिए कह रहा हूं। किसी को भी अगर वो बात नहीं समझ में आई एग्जैक्ट वाली, वही पूछना ताकि मैं समझा पाऊं ध्यान से। डॉक्टर के पास जाते हो तो एग्जैक्ट बीमारी बताते हो तो भी मज़ा आता है कि वो तुम्हें दवाई दे पाएगा फिर एग्जैक्ट वाली। ठीक है सर, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है पूरा। नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे जेठ तो लगता नहीं हूँ, ना तुम्हारे मैं ससुर लगता कि तुम मुझसे शर्माओगे। हाँ पूछ लेना, ठीक है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट, जो मैंने क्वेश्चन दिया था जो पेपर में आया था ना, अब मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। इतना समझाने के बाद वो पेपर वाला सवाल करते तक आप तुरंत समझ जाओगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। पेपर का क्वेश्चन क्या था मैं वही लिख रहा हूँ एक्चुअली। BA लिखा हुआ था आपका, ठीक है ना, BA 81 और यहाँ पर लिखा हुआ था आपका क्या, 16, और अब यहाँ पर लिखा हुआ था 2। मतलब ये हो गया कि आपने जो पूछा अभी तक जो करवाया था ना मैंने, उसका बिल्कुल उल्टा पूछा है एग्जामिनर ने आपसे, एकदम उल्टा पूछा है। और इसका सही आंसर क्या होगा यही निकालना है आपको, एकदम आसान है। कैसे आसान है सर, आइए देखते हैं। ये सब नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, 1 लिखा,
ठीक है ना, ये एक लिखा है ठीक है ना, अब आपको हेक्सा टू बाइनरी हो गया ना, एक लिखा, अच्छा इस एक बारी बारी कर लो, चलो एक को कंप्यूटर में बाइनरी नंबर में क्या लिखोगे आप लोग, इस फॉर्मूले से याद कर लेना, वही फॉर्मूला है, एक एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, जिस नंबर को बनाना है उसके नीचे लिख दो वन, और जिसको नहीं बनाना है उसके नीचे लिखना है जीरो। अब मुझे वन बनाना है ना, वन बनाने के लिए मुझे वन के नीचे तो वन लिख दूंगा, बाकी के नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे जीरो आ जाएगा ना, तो वन का बाइनरी नंबर क्या होता है आपका, 0001, ठीक है। उसके बाद में अगला नंबर है आठ, आठ को बनाने के लिए क्या चाहिएगा, आठ को बनाने के लिए आठ के नीचे ही वन आएगा ना, बाकी तो क्या हो जाएंगे सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो ठीक है आठ का बाइनरी नंबर हो गया आपका ये वाला, उल्टा कर रहे हो जैसे आप पहले कर रहे थे। अब बनाना है मुझे ए, ए का मतलब होता है दस, आपको अच्छे से पता है, अच्छा दस को बनाने के लिए क्या चाहिए, आठ और दो दस होते हैं ना, तो जिनको जोड़ोगे उनके नीचे वन लिखना है बस, ठीक है ना, बाकी के नीचे क्या लिखना है जीरो, उसी का उल्टा ही काम करना, आठ और दो दो क्या होते हैं दस, बाकी क्या हो गया आपके जीरो हो गए, तो दस का बाइनरी नंबर क्या हो गया या ए का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 1010। उसके बाद में क्या है आपका बी, बी का मतलब क्या होता है 11, ठीक है ना 11 होता है, अच्छा 11 को बनाना है मुझे, तो 11 देखो 8 4 2 1 दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है ना 8 11, तो 8 और 2 10 और 1 क्या होता है 11, 4 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना, जिसको बना जोड़ते समय जिसके नीचे 1 लिखना है वही तो नंबर बनेगा ना, तो ठीक है 11 का हो गया, तो इसका नंबर क्या हो गया 1011, दैट इज योर आंसर, बस कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन में ढूंढना था और लगा के आना था और कुछ भी नहीं करना था, ऑप्शन में ढूंढो आंसर लगा के आओ, बात खत्म, समझ में आई बात, यही क्वेश्चन था, इतनी सी सेकंड का था और एक नंबर है बिल्कुल फ्री का, बिल्कुल फ्री का नंबर है, कोई पैसा नहीं लगना इसमें, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन है आपस में छोटे मोटे, पर मैं आपको वक्त के साथ में धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेंगी हमारी तो मैं सारी क्लासेस के साथ तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन एक बार और करवा दूं मैं, ऐसा ही क्वेश्चन और करवाता हूँ, सेम क्वेश्चन तो क्या करवाना, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ मेरे लेवल मेरी तरफ से, ठीक है ना, तो देखो आप इसको तो मैं रफ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सी डी एफ थ्री, ठीक है ना, और यहाँ लिखा है 16 और यहाँ लिखा है 2, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर होगा आपका, अब लिखा है 3 लिखा है, अच्छा पहले 3 लिख लो आप लोग, 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, मैं अभी ना बार बार वो 8 4 2 1 एक बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, अब आपके इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए यार, एटलीस्ट आप पेपर देने वाले हो, है ना, तो 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा 0011, दो और एक 3 होते हैं, बाकी के नीचे तो आएगा, अब ये बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बच्चों की तरह थोड़ा इतना आपको आपको तो आता होगा इतना, तो F, F का मतलब 15 है, मतलब क्या है इसका बाइनरी नंबर क्या होता है 1111, सारे हो गए, D, D का मतलब क्या होता है, D का मतलब 13 होता है, 8 4 12 और 1 13, मैच करते रहे ना, कोई गलत नहीं होना चाहिए नंबर, ठीक है ना, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए वैसे, ठीक है ना, तो आप भी बता सकते हो अगर मैं गलत कर दूं तो, ठीक है, उसके बाद में सी है, ठीक है ना, और ठीक है ना सर, हमने आधा ही देख के सॉल्व कर दिया, अरे वाह फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, बस अरे सॉल्व कर दो तो और ही मजे की बात है, ठीक है ना, सी का मतलब क्या होता है आपका 12 होता है ना, तो 8 4 12, अगर किसी का ये आंसर आ गया तो एकदम बढ़िया है, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी वो डाउट है तो मुझसे पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, पूछो मुझसे डाउट, समझ में आ गया क्या, या कोई डाउट है तो बताओ, हाँ सर समझ में आ गया, प्रीतिन बेटा क्लास में तो तुम हो नहीं तो मैं कैसे पता कि डाउट है कि नहीं है, तुम तो क्लास में अटेंडेंस लगाने आती हो, नमस्ते सर कह के तुरंत गायब, फिर लास्ट के 5 मिनट में आके हाँ सर कोई डाउट नहीं है, चलो सबको समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, ओके है,
चलो अब आप मुझे ना एक क्वेश्चन और सोल्व करके बताओ। हाँ मुझे पता है बेटा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है। चलो अभी देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँ। यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल से, नहीं ये बाइनरी है, ये 10 लिख दिया। इसका आंसर क्या होगा? ये 2 है, ये 10 है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बेटा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, सच में इंटेलिजेंट हो, आप मजाक नहीं कर रहा। इसका आंसर बताओ। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन क्या है ये? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है डेसिमल, ये पूछा तुमसे डेसिमल है, ठीक है ना? और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि बाइनरी नंबर को बदलना है आपको डेसिमल में, कोई पेयर नहीं बनाना, दिमाग मत लगाना पहली तो बात, पेयर बनाने वाला कोई भी पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके नीचे 2 लिखा हो और यहाँ पे 10 लिखा हो तो पेयर नहीं बनाना, ना 3 का बनाना ना 4 का बनाना, कुछ नहीं करना, सीधा ही ऊपर वो 1 2 4 8 लिखना स्टार्ट कर दो, 1 2 4 8 16 32 जितने नंबर उनके ऊपर डबल डबल लिखते जाओ। और वही तरीका, जिसके नीचे 0 उसको छोड़ दो, 1 उनको जोड़ दो, बात खत्म। 8 1 के नीचे 0 इसको छोड़ दो, बाकी आपको जोड़ना किसको है? 32 को, 32 के साथ 16 को, 16 के साथ 4 को, 4 के साथ 2 को, 2 के साथ 1 को, इन नंबरों को जोड़ना है। इनको जब जोड़ोगे तो क्या नंबर आंसर आएगा देख लेना तुम लोग, ठीक है ना? 6 4 10 और 10 और क्या है ये 2 12 13 14 15 15 का 5 1 3 1 4 और 1 5 55 आंसर आना चाहिए, 55, बिल्कुल ठीक है, 55 इसका आंसर आ गया आपका, बात ही खत्म, ठीक है, समझ में आई बात? चलो एक सवाल और देता हूं इसी का ही। ये है 2 और ये है 10, ये सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज सवाल आया था आपका, एज इट इज सवाल आया था सीटेट के पेपर में। शाबाश, 27 इज द राइट आंसर, ये एज इट इज पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? बाइनरी टू हेक्सा को बिना पेयर, नहीं बाइनरी टू डेसिमल को बिना पेयर है, बाइनरी टू हेक्सा नहीं, बाइनरी टू हेक्सा में तो 4 का पेयर था, बाइनरी टू ऑक्टल में 3 का पेयर था, लेकिन बाइनरी टू डेसिमल, ये नंबर कौन सा आपका डेसिमल है, ठीक है ना? बाइनरी टू डेसिमल बिना पेयर है। एक और कर दो ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए, वो पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं आपको, ये भी क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ सीजीएल के। बताइए कोई पेयर नहीं बनाना, इसके ऊपर सीधा ही नंबर लिखना है और उनको आपस में जोड़ना है बस, ठीक है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब, धुरंधर बन गए भैया, निहाल हो गया, हमें भी आनंद आ गया पढ़ा के,
कि आप समझ गए, बहुत बढ़िया, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। 165 आंसर है इसका, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। 128 में 32 जोड़ा तो हो गया 160, और 4 और 1 जोड़ा तो हो गया 5, और 160 और 5 जोड़ा तो क्या हो गया 165। एकदम बढ़िया, सुपर इंपॉर्टेंट, एज इट इज स्टेटमेंट याद कर लेना, मैं कह रहा हूँ पेपरों में हूबहू छपी हुई है, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट। शाबाश, तो सर थैंक यू सो मच, आपने सिखा दिया एंड याद भी दिला दिया, चलिए शुक्रिया डियर। सो आज का सेशन माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही था, हो चला है पूरा, ठीक है ना। कैसा लगा है आपको ये सेशन बताइए ज़रूर मुझे, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, सुनील सर टेस्ट बुक नाम का टेलीग्राम चैनल है। कोई भी कोर्स लेना हो तो मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना, सुनील बी मेरा कूपन कोड है, ठीक है ना। और हर रोज़ ज़रूर आना सेशन में, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, तुमने अगर लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए स्पेशली, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया डियर, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, शुक्रिया।